एंड नो चैप्टर नंबर वन में समरी नोट्स में हमारे कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त. वी हैव टू बी वॉट परफेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो चीजें आप घर पे करने वाले थे अदरवाइज वो मैं चाहता हूँ क्लास में आपके साथ ही. एवरीबॉडी आर यू देयर? देखते हैं. आपको मैंने पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने समरी नोट्स में इंट्रोड्यूस किए, राइट, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की भी आदत पड़े जो हटके क्वेश्चन होते हैं, जो दोस क्वेश्चंस आर व्हाट नॉट एट ऑल नॉर्मल, थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप्स के क्वेश्चन है. देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं क्या. हैव यू सीन करेक्ट इनकरेक्ट? ऑल इनकरेक्ट इनकरेक्ट हो गया हमारे. कुछ बाकी है बताओ कौन से बाकी है तो वो खत्म करते हैं. मैं हूं इस समय पेज नंबर कौन सा है मेरा? 5. बताओ इसमें से कौन सा बाकी है? सब हो गए थे मेरे ख्याल से. कौन सा बाकी बेटा? के से आगे बाकी है. मैं पढ़ाऊं? कैन आई स्टार्ट? पेज नंबर 5. कैन आई स्टार्ट? पॉइंट है के स्ट्रेटेजिक एक्शंस आर ऑलवेज इन रिएक्शन टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. करेक्ट या इनकरेक्ट? आपको क्वेश्चन समझा नहीं होगा दोस्तों. सवाल ये पूछा है कि जब जब चेंजेस होते हैं तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेती है. करेक्ट या इनकरेक्ट? कितने लोगों को करेक्ट लगता है? अच्छा आधे लोगों ने तो सुना ही नहीं है. वापस से बोल देता हूं. के वाला पॉइंट पढ़ो, हौले ऐसा मत करो. पेज नंबर 5 पर हूं मैं. स्ट्रेटेजिक एक्शंस आर ऑलवेज इन रिएक्शन टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. मतलब हमारी हर एक्शन चेंजेस होने के बाद ही होती है. मतलब कुछ एक्शन हम लोग पहले से ही कर लेते होंगे. मतलब कभी कभी हमारा भी दिमाग चलता होगा कुछ. ऐसा नहीं कि दुनिया बदली हम बदले, कभी कभी हम खुद ही बदल जाते हैं. एवरीबॉडी तो बताए करेक्ट है इनकरेक्ट है? ऐसा हमें लगता है. देखते हैं आईसीआई क्या कहता है. हो सकता है वो करेक्ट भी कहे. चेक इट आउट पेज नंबर. उसका आंसर है क्या लिखा है? समझ गया करेक्ट है इनकरेक्ट है? टेल मी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. अच्छा कोई मुझे एप्पल का एग्जांपल लेके समझाएगा ये सही है गलत है. एप्पल हमेशा दुनिया में चेंज होते तब चेंज नहीं करता. एप्पल कभी कभी वॉलेंटरीली भी चेंज कर लेता है तो करेक्ट है. ओके आई जे के एल. सक्सेसफुल बिजनेस वैल्यू टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. सक्सेसफुल बिजनेस हैव टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. अगर आपको इस एनवायरमेंट में आगे बढ़ना है तो एनवायरमेंट के सारे फैक्टर को सोचना जरूरी है. हाँ या ना? मतलब आपको दीपिका पादुकोण के बारे में सोचना जरूरी है. मतलब आपको माइक्रो सीएस के बारे में भी सोचना जरूरी है. डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड? क्या देखते हैं आंसर क्या है. करेक्ट है इनकरेक्ट? और आईसीए क्या कर रही है? बिल्कुल सही करेक्ट. मतलब आपको आने लगा है. आई जे के एल एम. सोशल कल्चरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट. अरे क्या हेड़ा बना देंगे लोग? बोलते सोशल कल्चरल में गवर्नमेंट आती है. सोशल कल्चर तो अलग ही है ना और गवर्नमेंट पूरा अलग है. अच्छा कुछ ऐसी बातें बताओ जो सोशल कल्चर में है पर गवर्नमेंट में नहीं. हमारा समाज वेज खाना है या नॉन वेज खाना इज अ पार्ट ऑफ सोशल. गवर्नमेंट थोड़ी ना बोलता वेज खाओ या नॉन वेज खाओ. क्या कोई लॉ बनाया ऐसे? अच्छा ऐसी कुछ और बातें जो सोशल की है पर गवर्नमेंट की नहीं. एग्जाम्पल महिलाओं को बीपीओ में रात में काम करने ना देना. ऐसा ट्रेडिशन है इंडिया में. ये लॉ है क्या? ये कल्चर है. मीन्स इट इज द कल्चर इट इज नॉट द गवर्नमेंट. चलो ऐसी भी बातें करेंगे जो गवर्नमेंट है पर कल्चर नहीं. इनकम टैक्स भरो. ये सामाजिक काम है क्या? क्या सोशल कल्चरल है? भरना ही पड़ता. नो इट इज नॉट एट ऑल सोशल कल्चरल. सोशल कल्चरल वो नहीं है. वो बकायदा क्या है? वो कानून है. अब खाना पीना बंद हो गया तो थोड़ा सा दिखते मेरे पास. और तुम लोग क्या एक दूसरे के पास देखते? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. कुछ लोग क्लास चालू होने के बाद 10 मिनट तक उनको कुछ समझता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है. कोई मतलब नहीं सर क्या बोल रहे हैं. जो आता मॉडल के जैसे एंट्री करता. क्या चालू क्या? I just simply don't understand. वर्चुअल वालों पूना में ऐसा ही एटीट्यूड है सब. हाँ कोई किसके वो मानने को रेडी नहीं है. थोड़ा सा प्रोफेसर को भी इज्जत दो. कभी कभी तो यही समझता नहीं प्रोफेसर आप हो या मैं. फैसला कर लो कौन है.
अब मैं पढ़ा लूं थोड़ा सा, देखते ये जो क्वेश्चन है सिर्फ महिलाओं के लिए। अगला सवाल देखते महिलाएं कितनी पढ़ती इस क्लास की। एंड पॉइंट में पढ़ रहा हूं, द बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द कस्टमर। सारे महिलाएं बोलेंगे करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट है पक्का? क्या कॉम्पिटिशन की वजह से बेनिफिट होता है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? वॉलमार्ट इज कमिंग इन इंडिया, डोंट यू थिंक कस्टमर्स आर एंजॉइंग द व्हाट बेनिफिट्स ऑफ इट, बिकॉज दे आर एबल टू गेट गुड्स एट व्हाट चीपर कॉस्ट। ओके, तो करेक्ट है इनकरेक्ट? तो आपने लिख दिया करेक्ट है वो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ओ कॉम्पिटिशन इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है इनकरेक्ट? बोलो साहब बोलो, सारे पुरुष बोलेंगे। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मतलब कंपटीशन आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी हो सकती है? अच्छी? अरे कंपटीशन से तो आज तक किसका भी भला नहीं हुआ। डू यू थिंक कंपटीशन इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? इफ देयर इज अ कंपटीशन देयर विल बी ऑलवेज व्हाट विलिंगनेस ऑफ इंप्रूवमेंट, मोर एंड मोर इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट, मोर एंड मोर इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट, मोर एंड मोर यू कैन अट्रैक्ट योर कस्टमर्स, राइट? सो कॉम्पिटिशन होना और कॉम्पिटिशन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। पोर्टर्स वाइफ वर्सेस मॉडल कंसिडर न्यू एंट्रेंस एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। अभी यह सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आप हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो। हाँ इसलिए बोलो कि इट इज वन ऑफ द फैक्टर, पर हमारा मानना है ये इकलौता फैक्टर नहीं है। तो जरा देखो मॉड्यूल में क्या लिखा है। करेक्ट है इनकरेक्ट है? अब वहां पे लिख रहे हो करेक्ट इनकरेक्ट, वहां पे भी लिखते चलो ना, फिर जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको बार बार पेजेस पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वहीं पे लिख दिया करो करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब बताओ व्हाई इट इज करेक्ट, बताओ पोर्टर बाबा के, पोर्टर बाबा के, क्या पोर्टर बाबा के इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स आते हैं? हाँ या ना? बोलेंगे बाबा, आर फॉर, ई फॉर, एस फॉर, एस फॉर, मतलब आ गया। ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ में आप अपना धंधा कर सकते हो, क्या इसी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन? मुझे तो ये सही लगता है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है वो। जरा देखो करेक्ट है क्या, क्यू का आंसर देख लीजिए साहब, करेक्ट है। The term pastle, the term pastle analysis is used to describe framework for analyzing the micro. बताओ ये माइक्रो है या मैक्रो है? तो लिख दो इट इज मैक्रो नॉट माइक्रो, इट इज अ मैक्रो, कम ऑन एवरीबॉडी। बोलेंगे पी फॉर, ई फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर, टी फॉर टेक्निकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर इकोनॉमिकल। नहीं मतलब ई तो मैंने बोला था ना, दोनों सही थे मेरे। अगला सवाल एस नाम से, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी अवॉइड्स मैचिंग पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। अभी ये प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी, आप बोलेंगे स्ट्रैटेजी तो आपने अब तक समझाया नहीं। बाय मिस्टेकली दिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज गिवन इन चैप्टर नंबर 1, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रैटेजी, उसके बाद में ये सवाल पूछूंगा। अभी भी पेंडिंग है ये सवाल, अभी तक बरकरार है मेरे दोस्त। अब आ जाएंगे आप पेज नंबर 8 पर, ओ फो आपके हिसाब से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 16। आर यू देयर गाइस? कम ऑन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन जो देखो, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है फिर भी हमारे बुक में है, किसमें? प्रैक्टिस मैनुअल में, एंड दैट्स व्हाई इट इज हियर इन द समरी नोट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं पूछ लूं। डिस्कस प्रॉफिट एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज पर पीटर ड्रकर। आप मुझे, सवाल है मेरा
क्या आपको लगता है दुनिया में प्रॉफिट ही सब कुछ है? नहीं। तो पीटर ड्रगर साहब यही बोल रहे हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं। प्रॉफिट के अलावा बाकी चीजें भी नहीं। जैसे आप बोलेंगे बिजनेस के 5 ऑब्जेक्टिव कौन से हुए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी। एक बार देखते हैं पीटर साहब क्या बोलते हैं। पीटर वॉज द व्यू दैट द बिजनेस कैनॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। द इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट फॉर अ फर्म हैज अ लिटिल रिलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन सिंपल टर्म इज अ सेलिंग एट हायर प्राइस देन द कॉस्ट। ऑब्वियसली प्रॉफिट तब मिलता है जब आपने कॉस्ट से महंगे में बेचा होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म वो क्या बोल रहा है? प्रॉफिट किस में होता है? लॉन्ग टर्म में होता है। एंड इंक्लूड्स व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ एंड सेवरल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सच एज गुडविल, सोसाइटल फैक्टर्स, रिलेशन एंड सो ऑन। मतलब पीटर के हिसाब से प्रॉफिट सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं होता, प्रॉफिट इंक्लूड्स अदर नॉन फाइनेंशियल अचीवमेंट ऑल्सो। जैसे आपकी कंपनी का गुडविल बनना, आपके कस्टमर के साथ में अच्छे रिलेशन होना, क्या वो भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है? जी हाँ, एज पर पीटर ड्रकर। पीटर साहब बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट मतलब वो होता है कि जिसमें आपको पैसा तो मिले ही, आपके संबंध आपके कस्टमर से अच्छे हो, आपका गुडविल बढ़े, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़े, है ना? ये वाई दिस डेफिनेशन इज गिवन, बिकॉज हियर पीटर हैज व्हाट डिफरेंट फिलोसॉफी अबाउट व्हाट? प्रॉफिट। बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड सेज द प्रॉफिट मीन्स व्हाट व्हेन यू आर सेलिंग प्रोडक्ट एट व्हाट हायर देन व्हाट द कॉस्ट व्हिच यू हैव इनकर्ड। पर पीटर साहब का मानना है वो तो प्रॉफिट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन द वर्ड गुडविल, सोसाइटल फैक्टर्स, रिलेशंस एंड ऑल। ओ क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। कैन अ चेंज इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट? ऐसा क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिस मैनुअल में, आपको इसका जवाब हाँ लगता है या ना लगता है? डू यू थिंक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज एनी इंपैक्ट ऑन द बिजनेस? इससे बड़ा है नरेंद्र मोदी जी का जो एग्जाम्पल आया हुआ है। क्या डू यू थिंक देयर पॉलिसीज आर हैविंग व्हाट इंपैक्ट ऑन बिजनेस? वाइब्रेंट गुजरात में यू मस्ट नॉट बी नोइंग कल ही के दिन ऐसा फैसला हुआ है कि मुकेश अंबानी इज गोइंग टू स्पेंड 1,00,000 करोड़ रुपीज इन द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात, मेक इन इंडिया के लिए एक करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय करोड़, इतने पैसे इतने रुपए मुकेश अंबानी इज गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर द 4G प्रोडक्ट। आपको 4G टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपांशन करने के लिए, और एक कोई तो पेट्रोलियम का एक्सपांशन करने के लिए मुकेश अंबानी ने इतने पैसे गुजरात में डालने की कोशिश की है। बताओ इतना एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? बिकॉज नरेंद्र मोदी हैज गिवन हिम व्हाट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। अभी के हाल ही में अभी चल रहा है राइट, वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, उसमें सो मेनी यू नो डिफरेंट कंट्री के पीपल हैव व्हाट कम टू इंडिया, फॉर्चून 500 के कई लोग वहां पे इस समय मौजूद है, और एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट व्हाट देयर फंड्स इन व्हाट इंडिया, they are trying to make everything in what India. Don't you think favorable government policies will attract more foreign currencies in India? Kya India mein currencies ka inflow badhega? Kya India mein employment badhegi? Kya itne paise India mein generate honge to log paise wale banenge, aur paise wale banenge matlab India ki economy strong ho jayegi, to matlab ke ye sahi hai. Can change in elected government affect the business environment? यही हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारा जो एक्सपेंशन है किसी अलग ही एरिया में हो रहा था, करप्शन में हम लोग इंडिया वाले सबसे नंबर हो रहे थे, पर अभी करप्शन नहीं, अभी कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसे संकेत लग रहे हैं, है ना बच्चों? यस अरे देख कम ऑन गाइस, सो एग्जांपल राइट ना, एग्जांपल फेवरेबल पॉलिसीज of government, favorable policies of government for make in India, inverted comma, for make in India.
या आर यू देयर गाइस, कम ऑन। मतलब ये सही था या गलत था? कैन अ चेंज इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट? हाँ या ना? बोलो साहब। एक बात मैं बोलूं, ऐसे कौन सी पॉलिसी आपको लग रही, कोई एक स्पेसिफिक देखते आपका नॉलेज कितना है मोदी सरकार के बारे में या लेटेस्ट इंडिया में क्या चल रहा है? टेल मी एनी पॉलिसी विच इज हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। कोई एक ऐसा पॉलिसी जो आपको मालूम होगा इन दिनों में? बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ जनधन योजना। क्या उससे बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा? कई सारे लोग अपना बैंक में अकाउंट खोल चुके, करोड़ों लोग, तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ तो नक्की। चलो अब बात करेंगे 100% FDI के लिए हमारे गवर्नमेंट तैयारी कर लिया है, हो चुका है अभी तक इंडिया में FDI समझता है होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके मुताबिक कांग्रेस सरकार तक यही बोलना था कि 51% जो हमारा शेयर रहेगा इंडियन का और 49% ही सिर्फ फॉरेन के लोग इंडिया में आएंगे। तो व्हेन वॉलमार्ट वांटेड टू कम इन इंडिया, व्हेन वॉलमार्ट स्टिल इज गोइंग राइट, सो दे आर हैविंग व्हाट, रिटेल इंडस्ट्री में अगर उनको आना है तो देयर परसेंटेज कैन नॉट बी मोर देन व्हाट 49%, 51% विल गो टू व्हाट। इसीलिए उन्होंने भारती को अपना पार्टनर बनाया था, एयरटेल के जो मालिक है, ही वॉज द पार्टनर ऑफ वॉलमार्ट। बिकॉज आप बोलेंगे वॉलमार्ट को जरूरत क्या, वो तो फॉर्च्यून 500 की नंबर वन कंपनी है। इसलिए नहीं कि पैसों की जरूरत थी, इसलिए क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट रूल में ऐसा लिखा था किसी को भी रिटेल इंडस्ट्री में आना हो तो उसका शेयर 49% से ज्यादा नहीं होगा। 51% शेयर जो था इट वेंट टू एयरटेल, दैट इज भारती, और 49% था उसके पास में, वॉलमार्ट के पास में ऐसा था वो, पर अभी ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच में। Now Walmart has decided not to start products in the retail market. Now they are into the what? Only wholesale market. कौन? तो Walmart का एक ब्रांड था बेस्ट प्राइस। अभी इंडिया में 20 जगह पे Walmart खुल चुका है including औरंगाबाद अमरावती, जहां पे बेस्ट प्राइस नाम के शॉप्स आपको दिखेंगे, बट दे डू नॉट सेल इट टू व्हाट द रिटेल द कंज्यूमर। उनका बिजनेस B2C नहीं है, उनका बिजनेस B2B है। वो बिजनेस वाले ही बिजनेस वाले को बेचते हैं। तो ये आप बोलेंगे B2B के लिए गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन नहीं है? जी नहीं, उसमें वो पूरा खुद कर सकते हैं। बट आप बोलेंगे रिटेल इंडस्ट्री में क्यों नहीं आने देते गवर्नमेंट वाले? क्योंकि जब रिटेल इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको मालूम है बाकी सब बंद हो जाएंगे। हमारे सबसे बड़ी बात बोलते लोकल किराना बाजार जो इंडिया का इतना ग्रोइंग है, इतना करोड़ों लोग किराना के बलबूते पे खाते जीते हैं, वो सब लोग की रोजी रोटी की लग जाएगी। इसीलिए अभी भी फैसला बरकरार है मेरे दोस्त, पर जिस दिन आपको लगता नहीं ये फैसला हो जाएगा, सो डोंट यू थिंक इट विल हैव अ बैड इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लोकल किराना शॉप्स? क्योंकि लोकल किराना शॉप की इतनी औकात ही नहीं है कि वो इतने सस्ते में बेचे, सही है ना? तो मतलब हमारा एग्जाम्पल सही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर होता है कि नहीं होता है? एक ऐसा देर तो लिखिए वहां पर। दूसरा एग्जाम्पल दिया ना मैंने, कौन सा? FDI। एक एग्जाम्पल कौन सा दिया पहले? मेक इन इंडिया। दूसरा कौन सा है? FDI। चलो ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज कियत्सस, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब तक नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपको ये आता है क्या। प्लीज गो थ्रू, अगर आपको आ रहा है तो यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट, इसका मतलब आपको आ रहा है। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेंगे। The environment is the sum of several external and internal forces that affect what? The functioning of business. The environment is the sum of several internal, external forces that affect what? Functioning of business. आपसे मेरा सवाल है दोस्तों, internal and external दोनों में से बड़ा कौन है? कौन सा within organization है? कौन सा beyond organization है? Within organization की बात करूं मैं तो मेरे employee, मेरे shareholders, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या इनका इंपैक्ट मेरे बिजनेस के ऊपर है या नहीं है? और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, गवर्नमेंट पॉलिसी का, क्या कॉम्पिटिटर्स का, क्या टेक्नोलॉजी का, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन का, क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भी मेरे बिजनेस के ऊपर होता है? मतलब कि हमारे बिजनेस के ऊपर सिर्फ इंटरनल का नहीं, एक्सटर्नल का भी इंपैक्ट होता है। हे गाइस, तो सही था ये राइट? एक बार पढ़ते क्या लिखा है, आपको समझ आया ना? ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको इस क्लास में
क्वेश्चंस अभी आज हम लोग एक काम यहाँ पे बहुत भारी करने वाले हैं. नवंबर का कौन सा पेपर आया अभी? नवंबर 14 हो या कोई भी पेपर हो, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. मुझे देखना है कि आपको सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में भी लिखता आएगा. नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यूजलेस है अगर आपको एग्जामिनेशन सॉल्व करते नहीं आ रही. तो मैं बहुत बोलूँगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास मत रखो. आपको कब अच्छा लगना चाहिए? When you are able to solve ICI paper, फिर आपको लगना चाहिए हाँ यार मुझे आ रहा है, मतलब क्या मैं ऐसे में परफेक्ट बन रहा हूँ, राइट? तो आज थोड़ी देर बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो एग्जामिनेशन में आए थे. आपको ये भी समझ जाएगा कितने मार्क्स के लिए चैप्टर पूछते एग्जामिनेशन. ओके, ये मैं पढ़ूंगी अभी. बिजनेस एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू वॉट, कितने कैटेगरीज? इंटरनल एंड वॉट? एक्सटर्नल. सिंस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इट वॉट. अंडरलाइन द वर्ड एनवायरमेंट, पूरा कॉम्प्लेक्स है वो तो हमने देखा ही था. एक जवाब देंगे एनवायरमेंट क्यों कॉम्प्लेक्स है? आपने ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक देखा था एनवायरमेंट इज वेरी कुछ? एक वर्ड याद है क्यों कॉम्प्लेक्स है? एक वर्ड है टोटैलिटी. एक को समझना आसान है, सबको समझना बहुत ही मुश्किल है. एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वर्ड इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड आर डायनामिक. एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो एक्सटर्नल के? उसके नीचे लिखे ही है सर एग्जाम्पल. दीज आर वॉट? टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड वॉट? सोशल, कल्चर. एक दो और ऐड करोगे आप? क्या मैं इसमें गवर्नमेंट लिख सकता हूँ? क्या मैं इसमें ग्लोबलाइजेशन लिख सकता हूँ? अरे बोलो ना. ग्लोबलाइजेशन मेरे घर पे होता है क्या? डू यू थिंक इट इज हैविंग एनी इंपैक्ट ऑन बिजनेस? एक एग्जाम्पल दो मुझे. टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट होता है क्या? टेल मी एनी इंडस्ट्री वेयर टेक्नोलॉजी इज हैविंग रियली ग्रेट इंपैक्ट. Example, the sector of mobile, sector of laptops, banking sector, all e-commerce industry, don't you think they are influenced by technology? वो हो गया, आगे बढ़ना. Internal environment is the environment that has a direct impact on the business, is within the control of the what? Example, internal management, machinery, method of what? Production. Example दूं क्या मैं आपको? क्या हमारे हमारे organization के internal management का impact business के ऊपर होता है? Example सत्यम ले लो. कभी कभी इंटरनल मैनेजमेंट में लुटेरे लोग आते हैं. राजू, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लूटा. लूटा कि नहीं लूटा? क्या उनका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर हुआ कि नहीं? उनके जब फ्रॉड का जब डिस्क्लोजर हुआ तो 560 रुपीज के शेयर्स के भाव सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए हो गए. कुछ सेकंड्स के लिए 7 रुपए भी हो गए थे. मतलब 564 किधर, 7 रुपए किधर? आप बोलते नहीं 100 गुना रेट कम हो गए थे. मतलब इंटरनल मैनेजमेंट इज हैविंग व्हाट? ग्रेट इन्फ्लुएंस. ए सही बोल रहा हूँ ना मैं? मतलब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है. यू हैव टू थिंक कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर वाले लोग कैसे हैं. एवरीबॉडी एग्जाम्पल लिखो भाई. सत्यम कहाँ पे? इंटरनल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना. और कभी कभी इंटरनल मैनेजमेंट करने वाले लोग बहुत अच्छे आते हैं, उनका भी इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है. कोई बताएंगे आपको जिसके बारे में लगता है कि क्या मैनेज करता है बिजनेस को? नारायण मूर्ति साहब, रतन टाटा साहब. नारायण मूर्ति है, रतन टाटा है. इंटरनल मैनेजमेंट ऑसम. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट ग्लोबल इंडस्ट्रीज. आपसे मेरा सवाल है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्या? क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या सचमुच मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट प्रूव होता? क्या आज जितने इंडिया में प्रोडक्ट हम देखते हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स नाउडेज वी कैन सी इन इंडिया एंड इन इंडियन मार्केट ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? टेल मी सम ऑफ द ब्रांड्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. चलो पहले बात करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री से. आप मुझे बताओ, टेल मी सैमसंग, एप्पल, नोकिया, LG. टेल मी फूड इंडस्ट्री से कुछ ब्रांड्स दे आर ओनली बिकॉज ऑफ KFC, मैकडी, पिज्जा हट, पापा जॉन्स और कुछ. ओके, स्टारबक्स, CCD, बैरिस्टा, ये सारी चीजें बाहर की. उसके बाद में टेल मी फ्रॉम द टेक्सटाइल एरिया, फ्लाइंग मशीन है, जारा है, पेपे है, नाइकी है, ये सारे ब्रांड्स बाहर के हैं. सो डोंट यू थिंक ग्लोबलाइजेशन इज हैविंग इंपैक्ट ऑन बिजनेस? यस और नो? आप देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ व्हाट रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज. देखते हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, एक बार बताएंगे क्या वो थ्रेट भी है और वो एक अपॉर्चुनिटी भी है? हाँ या ना? मैं हूं पेज नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 21. क्योंकि सर आप बोलेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं वो, तो आपको लिखते आना चाहिए ना. अगर आपको पहले से मालूम है इन्होंने आंसर क्या लिखा है तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
The term global industry specifically means an industry where the firm's competitive position is one country is affected by its position in what? Another country. The global industry is one that by operating in more than, underline the word, more than what? Come on. One country gains R&D, production, marketing, financial advantage in its cost, reputation that are not available to purely. समझ रहा है क्या? मतलब वो किससे comparison कर रहा है? जो industry सिर्फ India में है और जो industry globalized है, बताओ दोनों में से किसका fixed cost per unit कम होता होगा? क्योंकि obviously when you are into the global world, your volume of sale will be what? Very high. And if the volume of sale is very high, the cost per unit will be what? Very low. वो ही लिख रहा है. The global business organization view the world as what? Underline the word. One market. आपको ऐसे शब्द याद रखना है क्योंकि आपको पास होना है. One market को underline करो. Minimizes the importance of what? National boundaries. मतलब boundaries होगी या नहीं होगी? नहीं होगी. Sources of material raises capital market whenever it can do what? Wherever it can do the what? Job based. मतलब अगर मान लीजिए आपको लगता है Indian bank से आपको सस्ते में interest पे अगर कैपिटल नहीं मिल रहा हो तो क्या आप इंटरनेशनल बैंक से भी बोरो कर सकते हो? अगर आपको लगता है यू आर नॉट गेटिंग रॉ मटेरियल एट चीपर कॉस्ट इन इंडिया, कैन यू परचेज इट फ्रॉम व्हाट? आउटसाइड. हाँ या ना? आपको पता नहीं होगा, आपने इंडिया का सारा स्पाइसेस आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से. पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया के जितने भी स्पाइसेस होते ना, क्या क्या बोलते स्पाइसेस में, क्या क्या तरह जितना भी मसाला वाली जो चीजें होती है ना हम लोग खाते हैं, इट इज द मेन ओरिजिन सोर्सेज व्हाट? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. वहां के धरती पर ही ये सारी चीजें अनाज पकती है और वहां से ही हम लोग इंडिया में लाते हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन है, जो चीजें सस्ते में मिलती है वहां से लेकर आते, फिर इंडिया में जो चीजें सस्ती मिलती है वो यहां से लेकर जाते. जैसे इंडिया से शुगर एक्सपोर्ट होता है, एक ऐसा रुझे. उसके बाद में देखते हैं द इंडस्ट्रीज रिवील. मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो आप? द इंडस्ट्रीज रिवील ग्लोबल पैटर्न इन टूडेज वर्ल्ड इंक्लूड ऑटोमोबाइल, टेलीविजन सेट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स, बोट्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, वॉचेस, क्लोथिंग, सेमीकंडक्टर, कॉपियर्स एंड ऑल्सो द व्हाट? मैं समझा नहीं क्या लिखा है. द इंडस्ट्रीज रिवील ग्लोबल पैटर्न इन व्हाट टुडेज वर्ल्ड इंक्लूड व्हाट? मतलब कौन से सेक्टर में आजकल ग्लोबलाइजेशन है? जैसे टेलीविजन उधर की इंडिया में आ रही है, एयरक्राफ्ट तो आप देखते हो वो बोइंग और वो सब इधर बेचते हैं इंडिया में, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स है, घड़ियां हैं, वॉच में तो कितने सारे ब्रांड्स आते हैं, राडो है और क्या क्या आते हैं, फॉसिल आता है, टैग का आता है वॉच, सो एक्सपेंसिव नो. ये सारी जो वॉचेस है वो कहाँ की? इंडिया की तो है नहीं. ओके फाइन. आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें से क्या लिखोगे, मुझे अंडरलाइन करके दिखा दो. आप मुझे बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन आया कि रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री, आप उसमें से क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे? सर एक तो मैं लिखूंगा कि उसका कॉस्ट कम होता है, तो कॉस्ट. वर्ल्ड एज अ ग्लोबल, वर्ल्ड एज अ व्हाट? वन मार्केट, वो मैं लिखूंगा. उसके बाद में कौन से एरिया में आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. देन यू विल ऑलवेज कंपेयर विद व्हाट? द डोमेस्टिक. अगर आप मान लीजिए जो डोमेस्टिक होते हैं तो उनको कॉस्ट का इतना फायदा नहीं मिलता जितना ग्लोबल को मिलता है ना? ओके okay. ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. ये रहा आपके सामने. डिस्क्राइब टू एनवायरमेंटल चेंजेस दैट यू एक्सपेक्ट टू हैव मेजर इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री. संजय ने क्वेश्चन क्या है? Describe two environmental changes that you expect to have major impact on the industry. आप बताओ retail मतलब कौन सी industry समझती है? Walmart की जैसी जो industry है ना, Walmart, Big Bazaar, Shoppers Stop, Pantaloons, D-Mart, Vishal Mega Mart, और क्या है, Spencer, More, Reliance. ये सारे industries के ऊपर आप मुझे बताओ ऐसे कौन से दो factor है जिसकी वजह से इनका business तो बहुत चलेगा तो बहुत खराब होगा. अरे दो फैक्टर नहीं आ रहे आपको, क्या पढ़ रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? कोई जवाब देगा इसका? टेल मी दो ऐसे फैक्टर, सिर्फ दो मांग रहा हूं, दो कि जिसके से बिग बाजार, वॉलमार्ट, इनका बिजनेस जो भी है ऐसे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा. गवर्नमेंट पॉलिसी बोल रहे हैं आप लोग, जैसे एग्जाम्पल FDI का इंपैक्ट इनके ऊपर हो रहा है जी, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट इन बिजनेस के ऊपर हो रहा है.
ई कॉमर्स जब से आया है इनकी बैंड बजी है, या तो फिर इनको भी ई कॉमर्स करना पड़ेगा। टेल मी नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इसके ऊपर है। हाँ है ना, ये भी बाहर जाएंगे वो भी अंदर आएंगे। और कुछ बोलेंगे? सोशल कल्चर। सोशल कल्चरल मतलब क्या? मॉल में खरीदना एक कल्चर है जो आजकल अर्बन एरिया में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब हम लोग मॉल में से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं छोटी शॉप से। अगर ज्यादा चीजें खरीदना है तो हम प्रेफर करते हैं चलो बिग बाजार के थर्सडे के दिन जाके खरीद लेंगे। इंडिया में ट्रेंड बदल रहा है, कल्चर इज चेंजिंग इन इंडिया। क्या सोशल कल्चरल का इंपैक्ट रिटेल इंडस्ट्री पे हो रहा है? सही है ना? पक्का पक्का पक्का। कंपटीशन का इंपैक्ट है क्या? है। सर आपने कहां कहां से पॉइंट ला रहे हो? मैं एक तो दीपिका पादुकोण में जा रहा हूं, या तो फिर मैं माइक्रो सीएस में जा रहा हूं, वहां से पॉइंट देखने और पता नहीं किस किस से इंपैक्ट हो रहा है। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। मैक्रो एनवायरमेंट में ये सब आता है, रैपिड चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द प्रोडक्शन इनोवेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपन ने भी बोला था, टैक्सेस अपन ने भी बोला, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट अपन ने नहीं बोला था, ठीक है, लेबर लॉस, चेंजेस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट हेल्थ, डेवलपमेंट इन व्हाट आईटी, ये अपन ने बोला था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप बोलेंगे उन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जो अपन ने नहीं बोले, वो ठीक है उनकी सोच है, पर ऐसा नहीं कि वो गलत लिख रहे। चलो मैं आपसे पूछता हूं एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट या तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हाँ नहीं, इकोनॉमिकल है, पर क्या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इन धंधों पर है? इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना ये धंधे ग्रो करेंगे? ग्रो नहीं करेंगे, बैंड बजेगी, बिकॉज लोगों के पास में इतना पैसा नहीं आएगा। मतलब इट हैज एन इंपैक्ट ऑन बिजनेस, राइट? एवरीवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अभी आप आगे मत देखना, एक मिनट के लिए बाजू हटा दो, आपको बताना ऐसे कोई चार इंपैक्ट जिसका जिसका असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे हो रहा है। डोंट सी द आंसर। ऑटोमोबाइल समझता है कोई? जवाब देगा इसका? इट्स अ मेडल क्वेश्चन, आपको जवाब देना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सी फैक्टर का इंपैक्ट होता है? कोई भी ऐसी चार बातें जैसे ऑटोमोबाइल समझता है, कार, बाइक्स, है ना? या बताओ जी। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट होता है? हाँ। क्या टेक्नोलॉजी के मुताबिक आजकल कार और बाइक्स बदलती है? जी हाँ। नंबर 2, एक बार लिखोगे आप वहां पे पेज नंबर 10 के पास, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास लिखिए। आप आंसर में मत लिखो, आप पेज नंबर 10 पे लिखो, ऑटोमोबाइल जहां पे क्वेश्चन दिया ना वहां पे लिखो। क्या लिखोगे आप वहां पे? एक टेक्नोलॉजी, सही बोला। टेल मी, गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट होता है। मतलब ऐसे कैसी भी कार और कैसी भी बाइक हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते। लिखो गवर्नमेंट पॉलिसीज। सोशल इंपैक्ट। क्या सोशल इंपैक्ट? जैसे इंडिया में कल्चर है भाई छोटी कार, हैशबैक समझिए, खरीदने का ट्रेंड। आपको ना इंडिया में हैशबैक कितनी जल्दी है? जितनी कार्स है ना, जितनी कार्स, सिडान कार होती है, एमयूवी होता है, एसयूवी होता है, इनमें 52% कार जो हैशबैक होती है। हैशबैक मतलब क्या? छोटी कार्स जिसको डिगी नहीं होती, समझ में आ रहा है? छोटी कार्स, इंडिका जैसी, तो ऐसी कार का डिमांड है। तो एक सोशल है ना ये फैक्टर, एक कल्चर है, मतलब ऐसा कल्चर इंडिया में ऐसी कार लोग यूज करते हैं। तो आपको कार लॉन्च करते समय ऐसी कार लॉन्च करना पड़ेगी। या टेल मी वन मोर फैक्टर। क्या क्या इन्वेस्टमेंट? हाँ हाँ, मजा नहीं आया इसमें। और एक नया पॉइंट बोलो, या कोई ऐसा पॉइंट जो ये मिस कर रहे हैं, बोल बेटा। पेट्रोल प्राइस का इंपैक्ट इनके ऊपर होता है, हाँ या ना? या पेट्रोल प्राइस का इंपैक्ट होगा ही होगा। या टेल मी वन मोर, एनवायरनमेंट जैसे अच्छा वैसे नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, पोल्यूशन एंड ऑल, इनका मानना है इंटरेस्ट रेट, हाँ या ना? जी हाँ। और बताइए क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है इन धंधों पर? वो ग्लोबलाइजेशन ही तो है, इतनी कार्स इंडिया में, इकोनॉमिकल, ओके फाइन, वो भी मानते हैं। हाँ जी,
अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर का इंपैक्ट क्या इन धंधों पर है? हाँ है ना, हाँ बिल्कुल है जी। हाँ बेटा, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, इंडिया की इकोनॉमी का इंपैक्ट इनके ऊपर हो रहा है। मतलब जितना लोगों का डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगा उतनी महंगी कार खरीदेंगे, है ना। एज के, एज का भी इंपैक्ट, मतलब आपका मानना है कि वो क्या सर है, डेमोग्राफिक का इंपैक्ट है। जैसे इंसान होंगे, जैसे मान लो कि यंग जनरेशन बहुत ज्यादा, यूथ ज्यादा है, तो वैसे वाली बाइक ज्यादा बिकेंगी एवरीवन। सो लिखिए, चलो दो चार फैक्टर हम लोग डालते हैं। ऑटोमोबाइल के सामने लिखिए आप, इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजी, एज, इंटरेस्ट रेट्स, और बोलिए और कौन सा बोला था ना, बहुत कुछ बोला था, पेट्रोल प्राइसेस, फैमिली स्ट्रक्चर, कितना बड़ा परिवार है, ग्लोबलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, एक्सेट्रा। चलो, आपका फेवरेट इंडस्ट्री आपके सामने आ रहा है पेज नंबर 10 पर, एजुकेशनल इंडस्ट्री। आपको जवाब देना है, एजुकेशनल इंडस्ट्री पे कौन से चार फैक्टर्स का इंपैक्ट होता है? आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन है माइक्रो सीएस एंड दीपिका पादुकोण। आपको जवाब देना है कि व्हिच फैक्टर्स आर हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डेमोग्राफिक का लिखो, पॉपुलेशन, पेज नंबर 10 पे आप लिख रहे होंगे, उनका आंसर मत देखो, हम अपना आंसर डेवलप करेंगे, बस इतना ही। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट हो रहा है आजकल का सारा वर्चुअल टेक्नोलॉजी। नंबर 3, सोशो कल्चर ना, कि कितने, अब जैसे पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, अब समाज बदल रहा है तो एजुकेशन के ऊपर अच्छा इंपैक्ट होगा। सोशो कल्चरल क्या कंपटीशन का एजुकेशनल पे इंपैक्ट हो रहा है? जी हाँ, कंपटीशन। एज का चलो ठीक है, और कुछ वो भी, कौन से फैक्टर्स का, क्या गवर्नमेंट के लॉस का इंपैक्ट होगा? क्या संबंध है लॉ का और एजुकेशन का? पहले स्कूल और कॉलेज डालना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार था, आजकल प्राइवेट स्कूलिंग हो रही है। लिखो लॉ, लॉ का इंपैक्ट हो रहा है। और ऐसा लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी इंपैक्ट एजुकेशन पे होता है, ऐसा लिखा है आपके बुक में। लिखो जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैसे भाई? जितने जॉब ज्यादा मिलेगी उतना एजुकेशनल के लिए ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया मेरे दोस्त, नहीं वो रिसर्च ऊपर वाले पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, शुड आई, देखते क्या लिखा है साहब। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। चलो आपको मुझे कोई एग्जांपल देना है, ये सब्स्टिट्यूट इस प्रोडक्ट के हैं और दूसरा इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट है इसलिए बहुत कॉम्पिटिशन है, और नहीं है इसलिए कॉम्पिटिशन नहीं है। बोलो ना, एयरलाइन के बिजनेस में सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए वो प्रेशर नहीं है, पर अगर मैं उसी के बाद में कोल्ड ड्रिंक की बात करूंगा तो कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। टेल मी सम ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। जूस है, नेचुरल जूस है, पैकिंग जूस है, पुरु है, उसके बाद में टेल मी मोर जूसेस, शुगर केन का जूस होता है, कुछ लोग कोल्ड कॉफी पीते, कुछ लोग मिनरल वाटर पी लेते, कुछ लोग कोकोनट वाटर पी लेते, कुछ बहुत आगे जाएंगे लोग लिखे, कुछ लोग बोन वीटा पीते हैं, छोटे बच्चे संतरा खाते हैं। जरा लिखो,
सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बेटा उनका अलग है, सब्स्टिट्यूट ऑफ, सब्स्टिट्यूट ऑफ खुमा, सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल्ड ड्रिंक मतलब कौन सा, नेचुरल जूस, शुगर केन, मिनरल वाटर, कोकोनट, शुगर केन, पैकिंग क्या बोलते उसको, हुआ था ना आजकल टेट्रा पैक, मिल्क शेक, बेटा बहुत आगे जाएगा मिल्क शेक, बेटा वो नीरा से व्यापी यहां पे पीते हैं, कौन कौन पीता इसमें नीरा वेरा, बेटा वोडका इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेटा वोडका उनके लिए अलग बात है, पर सामान्य इंसान अगर अगर उसको कोल्ड ड्रिंक पीना तो वोडका थोड़ी ना पीगा, आइस टी लिखो और लिखो उसमें कोल्ड कॉफी, बस भाई बस, और नहीं अपने आप कुछ भी बोल रहे हैं आप, लिखो मोर सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू व्हाट, मोर सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू मोर प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट है क्या, कितने लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, अगर मुझे चाय भी नहीं, चाय नहीं मिली तो मैं कॉफी पी सकता हूं, पर आप बोलेंगे वोडका ले लो, मैं कैसे पीऊंगा, मतलब उसके जगह पे वो चल सकता ना, मैं पेज नंबर 11 पर हूं, प्लीज डोंट टॉक, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लेटेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री, इन मेनी केसेस दे बिकम वॉट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे आप ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो बेचारा मर गया इसकी वजह से, सब्स्टिट्यूट आ गया इसलिए मर गया, मोबाइल आने की वजह से पेजर गया, अलार्म वॉचेस गई, कैमरास गए, आईपॉड गया, है क्या नहीं, लिखो वहां पे, नहीं नहीं कैमरा है आईपॉड है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बट डिमांड कम हो गई ना मोबाइल में सब कुछ आ रहा है, फिर व्हाई यू हैव टू परचेस सो मेनी थिंग्स, नो क्या बेटा ऐसा क्या बेटा, ठीक बोल रहा हूं मैं, विथ रिगार्ड्स टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अंडरलाइन द वर्ड, विथ रिगार्ड्स टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, फैक्टर्स सच एज प्राइजेस, इजी अवेलेबिलिटी and how based they are able to satisfy the needs of customer determine the amount of what, matlab jitne substitute honge utna competition ka pressure zyada hoga ya kam hoga, page number 12, substitute products offering a price advantage or performance improvement to the customer can drastically alter the competitive character of an industry and they can bring it about what, क्या सचमुच कंपटीशन का तेवर चेंज हो जाएगा, आप सोचो ना, पहले कैमरा वालों को सिर्फ कैमरा वाली कंपनी से फाइट करना जरूरी था, नाउ दे हैव टू फाइट विथ व्हाट, कहां बचे कैमरा रे, अब ऐसा नहीं कैमरा बचे हैं, बट यू नो दिस वेरी लेस डिमांड, वही कह रहा है पूरा कंपटीशन का तरीका चेंज हो गया, वेयर एवर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन R&D इज टेकिंग प्लेस थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कैन बी वॉट, समझ रहे क्या लिखा, क्या आपको लगता है सब्स्टिट्यूट R&D की वजह से क्रिएट होते हैं, जी हाँ, मोबाइल के अंदर ये R&D ही हुआ है, इसीलिए तो मोबाइल के अंदर कैमरा आया, ये मोबाइल के अंदर ही इतना R&D हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे म्यूजिक प्लेयर आ गया, तो डोंट यू थिंक जितना मोर एंड मोर अंडे
मोर एंड मोर आर एंड डी इज इक्वल टू मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूट कैन बी एक्सपेक्टेड. प्लीज राइट मोर एंड मोर मोर आर एंड डी. फास्ट हो गया थोड़ा सा. मोर आर एंड डी थोड़ा स्लोली बोलूंगा. मोर आर एंड डी इज इक्वल टू मोर सब्स्टिट्यूट कैन बी एक्सपेक्टेड. मोर सब्स्टिट्यूट कैन बी एक्सपेक्टेड. कम ऑन. मुझे कुछ कहना है. पेज नंबर 12 वापस से एक क्वेश्चन पूछा है. हाउ वुड यू एनालाइज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज ऑब्जेक्टिव बिजनेस. कुछ नहीं इसमें कुछ लिखने सा नहीं है. बता रहे बच्चों प्रॉफिट बिजनेस के लिए जरूरी है क्या? नहीं. बट क्या प्रॉफिट होने के बाद में एफिशिएंसी होना जरूरी है? देखो प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट कमाओ और एफिशिएंसी का मतलब होता है कम समय में प्रॉफिट कमाओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विद एफिशिएंसी? प्रॉफिट मतलब पैसे कमाओ और प्रॉफिट विद एफिशिएंसी मतलब क्या? पैसे कमाओ पर कम समय में कमाओ. सो इवन एफिशिएंसी इज हैविंग व्हाट इक्वल इंपॉर्टेंस अलोंग विद व्हाट द प्रॉफिटेबिलिटी. वो हम सभी जानते हैं और इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी. क्या ऑलरेडी हमारा हुआ है? पर अब तीन चीजें जो मुझे अलग लगती हूं हम लोग करेंगे यहां पे. ग्लोबलाइजेशन के बारे में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो उसके एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे. आखिरी में देखो थर्ड उसमें दिख रहा होगा. अ ग्लोबल कंपनी हैज थ्री एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का ऑब्लिक कर लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे नीचे. कोई भी ग्लोबल कंपनी होगी टेल मी सम ऑफ द ग्लोबल कंपनीज. ग्लोबल कंपनीज का एग्जाम्पल दो. एसपी क्लासेस ग्लोबल है. पतंजलि ग्लोबल है. अभी हम सिर्फ इंडिया में ही है. वहां पे लिखे एग्जाम्पल एचयूएल वॉलमार्ट. क्या मैं ईवाई को बोल सकता हूं? ईवाई ईवाई ग्लोबलाइज्ड है. क्या मैं एप्पल को बोल सकता हूं? सोनी सोनी है. सोनी सोनी ये सब ग्लोबल कंपनीज है. अच्छा ग्लोबल कब बोलोगे आप? जब वो कंपनी एक कंट्री में है, बहुत सारे कंट्रीज में है, एक से ज्यादा कंट्री में है. जरा देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं. ग्लोबल कंपनी के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? लास्ट में इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स. अंडरलाइन द वर्ड मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बट ऑल लिंक्ड विद व्हाट. मतलब ओनरशिप एक है पर अलग अलग कंट्री में वो उसका जो भी होगा फ्रेंचाइज होगा या ब्रांच होगा. कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब अभी आएगा चैप्टर नंबर 4 में पूरा डिटेल में. कॉन्ग्लोमेरेट नाम का कॉन्सेप्ट ही हमें एक कॉन्ग्लोमेरेट स्ट्रेटेजी. पेज नंबर 13 पे मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज व्हाट? मनी क्रेडिट पेटेंट्स. मतलब क्या एप्पल फोन का हर कंट्री में अलग पेटेंट होगा या एक ही पेटेंट होता है? मतलब कॉमन चीजें होती है ना सब. ओए क्या वो कॉमन होती है या हर कंट्री में अलग अलग? कॉमन होता है. फाइनेंस भी एक ही जगह पर इकट्ठा होता है और बाद में वहां से सबसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. नंबर 3 द यूनिट रिस्पॉन्ड टू व्हाट. मतलब सबकी स्ट्रेटेजी एक या अलग अलग? सबकी स्ट्रेटेजी एक ही होती. दैट इज व्हाट कॉमन. मैं समझा नहीं ऐसा क्यों. एग्जाम्पल दो ना. आप बता इस कंपनी की वर्ल्ड में एक ही स्ट्रेटेजी है. एप्पल कंपनी को देखकर ऐसा लगता है वही सिंप्लिसिटी उनकी पूरे वर्ल्ड में. इट वॉन्ट चेंज इट वॉन्ट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. आप बताएंगे ग्लोबल कंपनी के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कौन से? नंबर 1 वो एक कंट्री में होता है बहुत सारे कंट्री में पर ओनरशिप एक ही इंसान के पास होते हैं. नंबर 2 उनके रिसोर्सेज सब कॉमन होते हैं. उनके एम्प्लॉइज उनका क्रेडिट उनका पेटेंट सब कॉमन है. नंबर 3 बोल रहे नहीं दे आर हैविंग सेम स्ट्रेटेजी और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. एग्जाम बहुत पास में आ रही है मेरे दोस्तों. आप लोग हौलापन करना बंद कर दीजिए. क्या करते हो लेक्चर में कुछ समझता नहीं. कुछ लोग इतने अनस्टेबल इस क्लास में वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं. कुछ लोग सिर्फ देखते हैं सोचते कुछ और है और कुछ लोग देखते नहीं.
और कुछ लोग ऐसा किताब में देखते हैं, कुछ और सोचते हैं, ऐसा कब तक चले गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो एक काम करो, आपको ऐसा लगता ना मुझसे नहीं हो रहा तो 4 महीने का ब्रेक लो। वैसे ही पढ़ाई करके फेल होने से अच्छा एंजॉय तो कर लो, कल से क्लास आना बंद कर दो। एडवाइस फ्रेंडली आपका समझ लो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका वक्त भी जा रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 4 महीने आपके जिंदगी के बहुत सीरियस होना चाहिए, पर जो आप नहीं हो, आपको अभी भी कितनी मस्ती सूझ रही है। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो सचमुच आई वुड हैव बीन वेरी सीरियस। मैं उस जमाने में सीरियस हुआ था ना, इसलिए आज ये दिन देखने मिले। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो अभी एंजॉय कर लो बाकी जिंदगी भर स्ट्रगल करो, ऑप्शन नंबर 2 अभी स्ट्रगल करो बाकी जिंदगी एंजॉय करो। क्या करना है आप डिसाइड करो। आपको खुद को अपनी आत्मा से पूछिए कि आप इस कोर्स के लिए 100% दे रहे हो, नहीं सच में नहीं दे रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आस्क योरसेल्फ। आपको देखकर हर बार लगता है मेरी जान अटकती है, अरे भाई सीख ले, मैं कब तक रहूंगा, एक 10-15 दिन हमारे साथ है, उसके बाद आपको आपकी लाइफ खुद की है। 2-4 अटेम्प्ट फेल हो जाएंगे ना तो क्या करोगे। मेरा लेक्चर एक जगह पे कल ये हुआ, मोटिवेशनल लेक्चर हुआ जामनगर में, तो उसका मैसेज आया सर, वो बोला कि सर मुझे आज मेरे लाइफ में कुछ अलग मिला, मैं 12 अटेम्प्ट सी ए फाइनल में फेल हुआ, पर आपका लेक्चर सुनने में ऐसा लगता है कि अब मुझे अंदर कहीं मेरा पार्ट 2 मेरी जिंदगी का पार्ट 2 चालू हो रहा है, अब मैं फिर से एक बार लड़ने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैंने लाइफ को बहुत लाइटली लिया था, इसलिए दिन देखने मिले। कहने का मतलब कि आपको 12 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, और एक समय आता ना आप सीए को छोड़ सकते ना पकड़ सकते हो। अभी 3 अटेम्प्ट मान लीजिए आप आईपीसी में फेल हो गए, मान लीजिए 90% लोग इस क्लास के फेल होने वाले, सिर्फ 10% पास होंगे, तो कई लोग होंगे इसमें हजारों की तादाद में जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। आपको लगता है इस क्लास में से कितने लोग, 100 में से कितने परसेंटेज पास होंगे? 10-12 88% लोग फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पहले जमाने में कैसा था, सीए में पास होना जरूरी था, अब पास होना जरूरी नहीं है, पास तो 30-40% लोग होते हैं। 100 में से 40 लोग पास हो जाते, पर इंस्टीट्यूट के पास टारगेट है कि 12% लोगों को ही पास करना है, तो क्या करेंगे वो 40 में से टॉप 12 निकालेंगे, तो अब पास होकर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो टारगेट इज यू शुड नॉट एम ओनली 200 और 150, योर एम शुड बी हायर। आपका एम होना चाहिए कि मैं टॉप 10 में रहूं। समझ रहे हो बच्चों, जाग जाओ, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। 3 मंथ्स, ये महीना तो ऐसे ही उड़ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, कम ऑन, समझने की कोशिश करो, आंखें खोलो, आंखें बंद करके घर पे जाके देखो कि कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। एक काम करो मेरे लिए, आज सिर्फ सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स तो देख लो, कुछ मत देखो यार, सब किताबें खोलो ऐसी और सबके सिर्फ इंडेक्स पढ़ के निकाल लो। आप देखो समंदर है, फेल हो जाओगे रे, एक बार फेल होने की सजा बहुत बड़ी है, 3 लाख रुपए चले जाएंगे, डीमोटिवेशन आएगा, समाज में इज्जत जाएंगे, घर वालों का नाम खराब होगा। डिटर्मिनेशन लाओ, कुछ तो अच्छा करो। कोई भी जिद कर रहे हो ना, कोई भी चीज कर रहे हो तो जिद से करो। विराट कोहली को मानते हो ना अपना, कितना विराट कोहली कितना आगे जा रहा है, उसके पापा का डेथ हो गया था फिर भी वो मैच खेल रहा था, उसको खबर आई थी कि उसके पापा एक्सपायर हो गए, उसके दौरान भी इंडिया को उसकी जरूरत थी, रणजी में या कहीं तो कोई तो मैच खेल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि बात चल रही डिटर्मिनेशन की, जो चीज कर रहे हो ना, मतलब वो उस समय पर इतना सुपरस्टार नहीं था, उस समय उसके पापा एक्सपायर हो गए, उसके पापा की डेथ बॉडी घर पर पड़ी, उसको घर से बुलावा रहा है, और उस समय उसके इंडिया को भी उसके खेलने की जरूरत थी, वो इंडिया के मैच खेला, उस मैच में इंडिया जीती, दोनों के दोनों जो भी आमने वाली जो भी पार्टी इनकी, जो इंडिया के जो लोग खेलने वाले थे और दूसरे जो खेलने वाले थे, दोनों कंट्री के लोग रो रहे, इंडिया जीती पर उसके पापा का डेथ होने के बावजूद भी वो ग्राउंड पे खेल रहा था और वो जीते उसके खेलने की वजह से, सब लोग रो रहे थे, ये क्या डिटर्मिनेशन है, डेथ बॉडी पापा का घर पर पड़ा हो। मतलब मैं आप बोल रहा हूँ क्या, मुझे इतना ही बोलना है कि भाई जो चीज़ कर रहे हो ना अच्छे से करो, डिटर्मिनेशन चाहिए, ऐसे हवा में कोर्स नहीं होता, कंपटीशन कितनी बढ़ गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितनी चीज़ें आपने समझना चाहिए।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. हे गाइस, सो अभी बहुत कम दिन बचे हैं, रोज पढ़ाई करो. जो क्लास में कर रहे हो वो तो कम से कम, अगर आपकी 10 घंटे क्लास चल रही है तो कितना आपने सीरियसली करना चाहिए यहाँ पे. बाद में बाकी तो आपको टाइम तो मिलता है नहीं. मैंने आपको कितने बार कहा है कि क्लासेस के साथ में सब्जेक्ट्स को ख़त्म करो, IT खत्म करो, SM खत्म करो, एडवांस अकाउंटिंग खत्म करो. सर को जो करना है क्लास में करने दो, आप भी साथ में आपकी पढ़ाई चालू करो. आप क्या करने, बातें करने लग जाते हो, कमेंट्स करने लग जाते हो, कब समझ आएंगी आप. आपको अभी सब लोग साथ में दिख रहे हैं ना, जिस दिन रिजल्ट आता है ना आप अकेले रहते हो. समझ रहे हो क्या? अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको कुछ समझ रहा नहीं. आप इस फ्लो में आपको कुछ भी नहीं समझ, आपको लगता है इस लाइफ इज फन. लाइफ फन थी जब आप CPT पास हो गए थे, तब तक के 2-4 महीने तक. अब नहीं है, टाइम हैज चेंज्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, पढ़ाई करो, अब कुछ बचा नहीं है. और एक बार पास हो जाओगे ना फिर बहुत मस्ती करना. अगर फेल का सिलसिला चालू हो गया ना तो बहुत लगेंगे. लिख के ले लो, मेरे शब्द याद रखना, वापस बोल रहा हूँ. एक बार फेल हो गया ना तो काउंट करना अटेम्प्ट्स कितने होंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगते हैं. क्योंकि हर रिजल्ट के बाद में सिर्फ 2 महीने मिलेंगे. ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड. भावनाओं में विवश मत होना, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना. जिंदगी में आगे वो जाते हैं जो कंट्रोल और सेक्रीफाइस करते हैं. आप लोग नहीं करते हो. आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना वो करने की इच्छा होती है, और आप वही करते. अपने आप को जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं करते. आपको लग रहा है मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, पर आप मन मार के पढ़ाई करने कभी नहीं बैठते हो. आपको लग रहा है ना वो कुछ मस्ती कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, 31st की पार्टी में वो जा रहा है मैं जा. मन मार के पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के 6 घंटे जब खत्म होंगे ना तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा यार, मेरा दोस्त मूवी को गया 6 घंटे तो उसकी पढ़ाई नहीं हुई, पर मैंने 6 घंटे मूवी नहीं जाने के पढ़ाई किया. दैट विल गिव यू डबल सेटिस्फेक्शन. जब आप कभी करके तो देखो, मन मार के पढ़ाई करो. आपका मन कर रहा है ना मैं बाहर जाओ, मत जाओ, और फिर पढ़ाई करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, बी सीरियस, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट. नहीं करना तो लाइफ आपकी है, मेरा तो कुछ लॉस नहीं है, ना आपके घर वालों का है, आपकी जिंदगी है. चलो, मेरा काम था बोलने का, पढ़े. हाँ जी साहब, मैं पढ़ा रहा था आपको. ये तो ग्लोबलाइजेशन का हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद में ये चैप्टर के अभी कौन से क्वेश्चन बचे देखो. 13 पेज पे बचा है कुछ, और 14 पे भी बचा है ना. तो एक काम करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 26 है हम उसके लिए थोड़ा सा रुकते हैं. 27 पे आओ. क्या लिखा जरा देखना. एक्सप्लेन द लास्ट 2 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन आर ओवर. एक्सप्लेन द नीड फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द नीड फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्कैन द एनवायरमेंट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, डिस्कस द कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड बिजनेस एनवायरमेंट. आप मुझे बता दो, क्या आपको लगता है बिजनेस को हमेशा कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट को एक्सेस करना जरूरी है? डू यू थिंक माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड? वॉट विल हैपन इफ यू डू नॉट? टेल मी एनी एग्जाम्पल वेर यू सॉ दैट कि यू हैव नॉट मॉनिटर्ड द एनवायरमेंट एंड योर कंपनी इज गॉन. Nokia is the best example for it. They have not monitored the business. They have not understood the impact of technology on their business. They have not taken it seriously. That's why company had gone. So Nokia is the best example है. क्या आपको लगना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर मैं सारी दुनिया में वर्चुअल क्लासेस हो रही है और मैं भी अगर वर्चुअल क्लासेस को भाव न देते हुए यहीं पे क्लास कर रहा हूं, तो अगेन व्हाट आई एम इग्नोरिंग व्हाट द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो मेरा लॉस होगा है ना. तो एनवायरमेंटल फैक्टर में जो जो चेंजेस होंगे आई हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंगली. राइट, देखते क्या लिखा है. एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स स्ट्रेटजीज टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट थ्रेट्स और टू डेवलप व्हाट, अंडरलाइन द वर्ड अर्ली वार्निंग. ऐसा क्यों ले रहे हैं अर्ली वार्निंग? इससे पहले हमारे साथ बहुत बुरा हो जाए हम लोग, वी कैन टेक व्हाट सम प्रिवेंटिव मेजर्स और टू डेवलप स्ट्रेटजीज विच कैन टर्न अ थ्रेट टू दी व्हाट फॉर्म एडवांटेज. ऐसा ही होता था ना नोकिया के साथ में, ऐसा ही हुआ, थ्रेट बन गया उनके लिए क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंट के बारे में. एग्जाम्पल लिखो आप नोकिया, सिंस दे हैव नॉट कंसिडर्ड environmental factors, environmental factors
कंपनी इज सफरिंग. Suffering what? Losses? Yes. क्या लिखा आगे देखिए. ऐसी कोई कंपनी आपके सामने जो आपके सामने डूब गई? किंगफिशर डूब गई, स्पाइस जेट डूब गई, कोडैक कंपनी डूब गई, विशाल मेगामार्ट का नाम सुना है? डूब गई. सुभिक्षा का नाम सुना है? डूब गई. मतलब डूबने वाली कंपनीज का भी लिस्ट बहुत बड़ा है. सिंस दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन टू व्हाट. सर आप बोलेंगे अब ये तो जो हुआ है किसका? कुछ कंपनीज होती है जैसे सुभिक्षा है, वो उनके इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से चले गई. बट हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वॉट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट. नहीं समझा आपको? माइक्रो सीएस में ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन आता है. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान न रखना, क्या इसका भी गलत इंपैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है? वही लिखा है. बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन असेसिंग द फ्यूचर एंड इट्स डायनामिज्म, ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट बी वॉट एंटीसिपेटेड. हाउ एवर सम फ्यूचर इवेंट्स कैन बी वॉट anticipated, the extent to which few or more events are anticipated through the process of the analysis and diagnosis will reflect in the quality of what. Samjha kya aapko kya bol raha hai? Jaise example abhi bhukamp hone wala hai, we do not know about it, so we cannot make any plans for it, though it is the factor of environment because it is sudden occurrence. We cannot predict anything, we cannot make any decisions for it, but there are so many factors which can be predicted in advance, so why don't you make your policies as per the requirement of what, those anticipated changes. Hai na, badlav aane wala hai, so why don't you change yourself? Clear everybody? Aisa batao aap koi exam, koi company ne jisne preventive measure leke apne aap ko bachaya? They have introduced this thing and now they are safe. Bolenge वोडाफोन ने अपने आप को बचा लिया एक पैसे पर सेकंड करके. मतलब इससे पहले कंपनी बर्बाद होती, उन्होंने अपने आप को बचा लिया. क्या इसका एग्जांपल हो सकता है? क्या किया बिग बाजार ने? बिग बाजार आल्सो स्टार्टेड व्हाट, फ्यूचर बाजार डॉट कॉम. दे हैव चेंज देमसेल्फ एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट. इससे पहले कंपनी बर्बाद हो जाती, कंपनी ने अपने आप को चेंज कर लिया. जी हाँ, किसने? सोनी ने ब्राविया एलईडी, जो दुनिया का चेंजेस देखकर एंटिसिपेट किया, चेंज हुए है ना. नाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, इससे पहले कि आपकी वाट लगे. द मैनेजर कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन अबाउट फ्यू मेजर इवेंट्स इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद वॉट ऑल द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. इन जनरल एनवायरमेंटल एनालिसिस हैज व्हाट, थ्री बेसिक गोल्स एज फॉलोज. अंडरलाइन द वर्ड. ए बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एनवायरमेंट के एनालिसिस के तीन इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से कौन से? बोलिए सर, तीन गोल कौन से कौन से? द एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट करंट एंड व्हाट पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इनटू द व्हाट. एनवायरनमेंट का हर महीने में, हर दो महीने में एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग समझे कि अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं. एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर व्हाट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. क्या एनवायरमेंटल एनालिसिस जितना अच्छा होगा उतने डिसीजन मेकिंग आपके चेंज हो जाएंगे? हाँ या ना? अभी का एग्जांपल ले लो, कल का. रिलायंस ने 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया. क्यों किया? पागल नहीं हो? उसने देखा लोग फॉरेन कंट्रीज से आके उनके पैसे इंडिया में लगा रहे. मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं इंडिया की धरती को जानता हूं, मेरा कंट्रोल है यहां पे. फिर दुनिया डाल रही है, सारे लोग ऐलान कर रहे हैं ना वहां पे, मैं इतने डाल रहा हूं मैं. अरे तुम सुनो जरा न्यूज, दो दिन से वो कंपनी बोल रही मैं इतना डाल रहा हूं. ये पैसों की बौछार हो रही, बारिश हो रही है वहां पे गुजरात में. वो बोल रहा मैं इतना लगाता हूं, वो बोलता मैं ये प्लान खोलता हूं, वो बोलता मैं ये करूंगा. सारे वर्ल्ड के, अभी यूएसए का वो भी आया ना अपना, क्या बोलता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आता ना उनका, जॉन केरी एक वो. हाँ हाँ बेटा वही. ओके, इतना नहीं कि अब ऐसा लग रहा होगा क्या इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छा,
ये तो ना, इफ द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, तो आपको भी ये तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो गया ना, ये 1,00,000 करोड़ डाल रहा है, मतलब क्या, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। तो ऐसे डिसीजन कब लेता है इंसान, जब मालूम चलता है कि एनवायरमेंट में सो मेनी कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, मतलब दे हैव सीन सम पोटेंशियल इन इंडिया, और फिर भी इंडिया की कंपनी इंडिया में नहीं डालती, मतलब बेवकूफ है। अगर आपके इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है, हम तो वैसे गरीब है, पर आपके पास पैसा तो आप लगाओ। तो ये नंबर टू, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। नंबर थ्री, एनवायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर व्हाट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली अ रिच सोर्स ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच फर्म ऑपरेट्स। अभी तक की तीन बातें बताओ, क्या क्या समझ में आपको, आपको यह समझ रहा है कि अभी अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या चेंज हो गए? अच्छा, वो मालूम भी होगा तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को वैसे, नंबर टू कि हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे, एंड नंबर थ्री व्हाट इज दैट, आपको आपकी जो थिंकिंग होगी वो अच्छी होगी कि नहीं, और आपके दिमाग में नई नई। अरे जब मैं एनवायरमेंटल फैक्टर को देखूंगा, जैसे मैंने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजीज को देखा, आई हैव सीन दैट ही इज इंट्रोड्यूसिंग सम मोर फीचर्स इन हिज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो वो नए नए फीचर्स ला रहा है, अगर वो मुझे मालूम हो गया, बोलो ना, तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आएंगे, यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देखना, आजकल कोई भी एक कंपनी कोई चीज लॉन्च करती है ना, सारे उसके से सारी कंपनी वो सारी लेकर आती है। ऐसा कभी देखा आपने? कब देखा आपने? कौन से कंपनी में आपको ऐसा नजर आया? कैश ऑन डिलीवरी फ्लिपकार्ट ने लाया, उसका देख देख के अभी सारी कंपनीज का कैश ऑन डिलीवरी चल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कैश ऑन डिलीवरी इंडिया में था ही नहीं, इट वॉज स्टार्टेड बाय व्हाट, वो फ्लिपकार्ट का टर्निंग पॉइंट था, वो कैश ऑन डिलीवरी स्टार्टेड बाय फ्लिपकार्ट। आपको लगता नहीं फ्लिपकार्ट का डिमांड देख के बाकी कंपनी ऑल्सो अडॉप्टेड द सेम थिंग? सो इट इज गिविंग व्हाट, यू गेटिंग व्हाट, न्यू आइडिया फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो तीन चीजें बताओ, कौन सी फायदे होती है? एक आपको ये समझ, अंडरलाइन द वर्ड चेंज। नंबर टू आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, स्ट्रेटेजिक। और नंबर थ्री, आपको नई नई आइडियाज आती है, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है। जी हाँ, ये भी हुआ खत्म, और उसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर नहीं। डू यू थिंक दैट ऑल कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? नो। एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस, बता सिर्फ बोल दो, अभी हुआ है ऑलरेडी। बोलो भाई, पोर्टर के 5 फोर्सेस क्या है? पूरा बाबा क्या है? पूरा बाबा क्या है? बाबा आर फॉर ई फॉर एस फॉर एस फॉर, ठीक है, ये सब खत्म हुआ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म है, एक दो छोड़कर, ठीक है ना। मैंने अब जरा एक काम करो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कितने पेजेस हो गए रहे? अब इसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको लगते हैं हमने, जिसका कवरेज अपने बुक में नहीं देखा पर यहां पे है, जरा बताओ। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क कर दे। हाँ बेटा, वो करना है, वो बाकी है। जरा अभी काम करिए, पेज नंबर 5 से आ जाइए, ये आपको लगता नहीं क्वेश्चन नंबर 15 पूरा के पूरा हमें समरी नोट्स में बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है ना, ठीक है, वो तो हमें करना ही, मतलब। हाँ बेटा, एक मिनट, सिर्फ आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पीटर ड्रकर के बारे में बोला था, एक बार बोलेंगे, ड्रकर साहब क्या बोले थे? पीटर साहब बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं, अलोंग विद प्रॉफिट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, द गुडविल, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट सोसाइटी फैक्टर्स, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट द क्रेडिबिलिटी एंड ऑल, रिलेशंस भी आपको सोचना पड़ते हैं। अच्छा, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक मिक्स, क्या रहता है एथनिक मिक्स? ये पढ़ा था ना डेमोग्राफिक में, एथनिक मिक्स है, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? हमारे पॉपुलेशन में पूरा मिक्स है, बताओ क्या क्या एथनिक मिक्स में आता है? हमारे पॉपुलेशन के एज ग्रुप अलग है, जेंडर अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, इनकम अलग है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश के बोली भाषाएं अलग है, कल्चर अलग है, मतलब जो खाने की चीजें अलग है, पूरा मिक्सिंग है अपने इंडिया में, एक जैसा कुछ नहीं है। हर स्टेट में जाओ यू विल फाइंड, साउथ में जाओ यू विल फाइंड डिफरेंट थिंग्स, नॉर्थ में यू विल फाइंड टोटली डिफरेंट, वेस्ट बंगाल में पूरा बंगाली यू विल फाइंड पूरा डिफरेंट। सो आ जाइए इधर। हाँ बेटा, वो इल्ले उधर आता है, चेन्नई इल्ले इल्ले पो, वो उधर आता है, और थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो बोलेंगे हांजी साहब,
इतना स्वीट बोलेंगे ना पंजाब लुधियाना से कभी कोई स्टूडेंट का कॉल आता, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी सर, जी बोलेंगे, इतना रिस्पेक्ट ना ऐसा लगेगा कि भाई अब तो आखी गले मिल रहे यहाँ पे, अभी इतना रिस्पेक्ट मत कर रहे। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब, हाँ जी सर, कैसे हो सर? हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया साहब। और थोड़ा सा हैदराबाद में गया, क्या बोल दिया साहब, क्या तभी बोलता हूं, क्या तभी कर रहे ऐसा सुना जा थोड़ा सा। तो पूरा एथनिक मिक्स है पूरे इंडिया में, क्या बोल रहे पूना में महाराष्ट्र असक अस ओके सो ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में तो अपना ही चना सब, राजस्थान में अभी क्या बोलते हैं, मैं कभी राजस्थान रहा नहीं, पर सगो चोको मजा माना ऐसा ऐसा जी वो राजस्थान में, चलो आ जाओ। Hey guys, come on everyone, everyone, come on back. देखते हैं, what do you understand by what ethnic mix? Oh, four. Ethnic mix reflects the changes in the what ethnic makeup of population has what implication both the company's potential customer and for the workforce issue that should be addressed include. आप मुझे बताओ क्या सच मुझा age factor population का change हुआ? Gender change हुआ? I mean, ratio. वैसा नहीं, जो कांस्टेंट रहेगा, पर जेंडर का रेशो चेंज हुआ? उस क्या बोल दिया उन्होंने बेटा, कुछ नहीं बोला। अगर वो एजुकेशन का लिटरेसी रेशो चेंज हुआ, डिस्पोजेबल इनकम चेंज हुआ, पूरा मिक्सिंग का पूरा मिक्सिंग हो गया, डू यू थिंक इट हैज एनी इंपैक्ट ऑन द बिजनेस? यस। और अगर जब भी एथनिक मिक्स चेंज होगा ना, अच्छा इसमें एक होता है रूरल अर्बन एरिया में कितने लोग, कितने लिटरेट कितने इलिटरेट, कितने लोग 20,000 से कम पैसा कमाते, कितने लोग ज्यादा पैसे कमाते, क्या इन सारे फैक्टर का इंपैक्ट हमारे और नेशन के ऊपर होता है? सो प्लीज लिखे एथनिक मिक्स का मतलब क्या होता है, लिखो एथनिक मिक्स मींस व्हाट, जेंडर मिक्स, जेंडर रेशो। अरे व्हाई यू हैव टू क्रिएट ऑलवेज, यू नो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन व्हाई, ओके नेक्स्ट, लिटरेसी रेशो, लिटरेसी रेशो। एज मिक्स, रूरल अर्बन रेशो, रूरल अर्बन रेशो। और कुछ बोलो ना, कौन से इनकम वाइज, पॉपुलेशन, रिलीजन वाइज, स्टेट वाइज, ओके। एक बात सवाल पूछेंगे आपसे कि सचमुच अगर लिटरेसी रेशो चेंज हुई तो क्या बिजनेस के ऊपर उसका इंपैक्ट होगा? Yes. हम चाहते हैं लोग पूरे लिटरेट हो जाएं और एजुकेशनल इंडस्ट्री को और आगे जाने मिलेगा। देखना ऑसम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, स्टार मार्क कर दीजिएगा। अब देखते क्या लिखा है, एथनिक मिक्स रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द एथनिक मेकअप ऑफ व्हाट पॉपुलेशन एंड हैज इंप्लिकेशन बोथ फॉर द कंपनीज, अंडरलाइन द वर्ड पोटेंशियल कस्टमर। ये क्या रहे, एथनिक मिक्स चेंज होता है कस्टमर चेंज हो जाएंगे, मतलब महिलाएं बढ़ गई, महिलाएं बढ़ गई तो कॉस्मेटिक के कस्टमर बढ़ गए, और पुरुष बढ़ गए तो तुम यही सब छिछोरी बातें करोगे, शेविंग क्रीम और कुछ दिखा नहीं, बड़े ट्रक्स बोलेरो की उनकी बात करते, मेंस पार्लर की बात करते। हाँ बेटा वो सब ठीक है, बस आगे इशू। अच्छा एक काम करो, लिखो पे एग्जांपल लिखो, मोर फीमेल्स इन द पॉपुलेशन
विल एनकरेज, सुपर बोलता है, विल एनकरेज, हाँ कम ऑन, ब्यूटी पार्लर्स, मिरर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, अभी तो लिपस्टिक उसमें आया थी। ओके फाइन, चलो आ जाओ इधर, इधर आओ मेरे पास। अभी आप सब मेरे साथ में वो पेज नंबर 9 पर, इश्यू दैट शुड बी एड्रेस इंक्लूड। अगर हमारे आसपास का एथनिक मिक्स चेंज हो रहा है तो हमने हमारे बिजनेस में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। नंबर वन, व्हाट डू चेंजेस इन द एथनिक मिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इंप्लाई फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन एंड व्हाट डिलीवरी। हमने ये देखना चाहिए कि जैसे ये सब चेंज हो रहा है तो क्या उसका इंपैक्ट हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के डिजाइन पर होना। जैसे कार इंडस्ट्री में अगर महिलाएं ज्यादा हो रही है तो कार इंडस्ट्री में क्या करेंगे, कार की साइज जो है छोटे छोटे बनाएंगे, कार पिंक बनाएंगे। नंबर टू, ओके पॉइंट नंबर टू का बोल गाइस, क्यों चाहिए नॉट, विल न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस बी डिमांडेड और कैन एग्जिस्टिंग वंस बी व्हाट। अगर पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है तो क्या नए नए प्रोडक्ट में, क्या नए प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, क्या फिर एग्जिस्टिंग में ही मॉडिफाई करना होगा। अच्छा बताओ ना कैसे, अगर महिलाएं बढ़ रही हैं तो कार ही पूरी चेंज करना पड़ेंगे, कौन सी बेटा, और या फिर ऐसा छोड़ो, एक थोड़ा सा सोचिए, अगर देश में बच्चों की संख्या बढ़ रही ज्यादा, मेल फीमेल को थोड़ा बाजू में रखिए, बच्चों की संख्या बढ़ रही तो क्या घड़ियों में चेंजेस होंगे, जो घड़ी वो घड़ी रहेगी पर थोड़ी साइज और डिजाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही आपको थोड़ा चेंज। लिखो वहां पे पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, इफ एज वाइज पॉपुलेशन चेंजेस, इफ एज वाइज पॉपुलेशन चेंजेस अकॉर्डिंगली व्हाट, कम ऑन, क्या चेंज होगा अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली डिजाइन ऑफ क्लोथ्स, वॉचेस विल बी चेंज, कम ऑन, आज रोको मत, कम ऑन गाइस, नेक्स्ट, मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स। अरे जब एथनिक मिक्स चेंज होगा तो मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, मैं समझा नहीं, मतलब आपके पॉपुलेशन में अगर बदलाव हो रहे हैं तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में भी वैसा ही बदलाव दिखेगा, समझा नहीं। अगर देश में यूथ ज्यादा होगा तो आपके काम करने वाले लोग भी यूथ ज्यादा होंगे, और देश में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होंगी तो हमारे काम पे बूढ़े लोग ज्यादा आएंगे, देश में महिलाएं बढ़ेंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला वर्कफोर्स में संख्या ज्यादा महिलाओं की होगी, वही लिखा है। हाउ कैन द कंपनी पोजिशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट इंक्रीज्ड वर्कफोर्स, व्हाट हेटरोजेनिटी, मतलब समझा नहीं मैं, हाउ द कंपनी पोजिशन इटसेल्फ कैन टेक एडवांटेज, अंडरलाइन द वर्ड टेक एडवांटेज, हेटरोजेनिटी मतलब क्या, सेम है डिफरेंट, सो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, सुनो ना, हमने ये देखना चाहिए कि ये बदलाव का मैंने कैसा फायदा उठाना चाहिए, राइट, बदलाव हो रहा है ना, पॉपुलेशन में बदलाव होंगे तो क्या हमने उस बदलाव का एडवांटेज लेना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दो, सुनो ना, पहले मेरा बिजनेस जो था वो एजुकेशन का था, एजुकेशन का, एजुकेशन, और पॉपुलेशन में पहले एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा नहीं थे तो मेरा बिजनेस वैसे बहुत कम चला, पर अभी पॉपुलेशन में लिटरेसी रेशियो बहुत, क्या मैंने इसका एडवांटेज लेकर नई नई चीजें लाकर एडवांटेज उठाना चाहिए। अगर मैं स्टेशनरी बेचने वाला इंसान था, पहले एजुकेशन का इतना कल्चर नहीं था, अब एजुकेशन का सडनली डिमांड बढ़ गया तो क्या मैंने अपने धंधे में अकॉर्डिंगली चेंज लाकर उसका एडवांटेज लेना चाहिए, तो वो सब लिखा है यहाँ पे। इतना ही बोलना है कि जब जब भी एथनिक मिक्स में चेंज होगा तो क्या आपने अपने बिजनेस को चेंज करना चाहिए, और कौन सी चार बातें करना चाहिए। नंबर वन,
बोलो रे, नंबर वन क्या है? हमें सोचना है कि हमारा सर्विस का डिजाइन वही रहना चाहिए या चेंज। नंबर टू कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहने देना चाहिए या फिर उसको। नंबर थ्री मतलब मैनेजर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन में उस हिसाब से। अगर मान लो देश में महिलाएं ज्यादा होंगी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी महिलाओं का संख्या ज्यादा होगा। लास्ट में क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रेडी टू टेक व्हाट एडवांटेज। मतलब जब भी बदलाव होगा और आपको लगता है ये बदलाव हुआ है तो आपने उस बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ या ना? जैसे कोई टूरिज्म का प्लेस होता है, अभी हाल ही में मेरी पहले से वहां पे शॉप थी पर इतना ये टूरिज्म बोल के नहीं चल रहा था। अब जैसे गुजरात में कच्छ भुज वाला जो एरिया है वो एक नया टूरिज्म का स्पॉट बन गया। कितनी ऐड चलती है उसकी। अब वहां पे दुकानें बहुत लोगों की पहले भी थी पर आजकल सडनली क्या हुआ, मोदी ने उसका इतना ऐड करके रखा है तो अभी हर कोई लोगों को लगता है चलो एक बार वो। अच्छा वो चार महीने खुलता है, वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कच्छ, नहीं तो पूरे साल भर 8 महीने अभी पानी रहेगा, 4 महीने सिर्फ अभी जमीन रहती है, नहीं तो सिर्फ पानी रहेगा। तो ऐसा एकदम ऐसा टेंट वगैरह लगाते हैं वहां पे लोग जाते रहने, वो टूरिज्म का प्लेस। आप मुझे बताइए जितने लोग, अच्छा बुकिंग करना पड़ती है 3 महीने पहले, अभी वहां पे खाली भी नहीं मिलता आपको, इतना टूरिज्म है। आप देखिए ना, मतलब अमिताभ की एड लाकर उसकी बार बार प्रमोशन करके अब उसको इतना बड़ा टूरिज्म बना दिया कि वहां पे जगह नहीं है, एडवांस में बुकिंग रहती है। अच्छा आप मुझे बता दो, जो भी फैक्टर हुआ क्या आपको लगता है इस फैक्टर का एडवांटेज लेना जरूरी हो गया? अभी किसको एडवांटेज मिलेगा? तो वहां के जो लोकल लोग हैं, बोलो ना जल्दी से, क्या उन्होंने इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब भी एथनिक मिक्स में चेंज होगा, लोगों की सोच में या कुछ में भी चेंज हुआ, तो डोंट यू थिंक इट हैज यू हैव टू टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। बोलिए क्या? अच्छा उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लिया, ए गाइस आर देयर, क्या गवर्नमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होता है? एग्जाम्पल कौन सा दिया था आपने? बोलो ना यार, एक FDI और दूसरा मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको पढ़ाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज हमने ये क्वेश्चन देखे ना, इंटरनल एक्सटर्नल का इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होता है? पता कौन सा विद इन कंट्रोल है और कौन सा बियॉन्ड कंट्रोल है? ऑसम। और बताओ बच्चों, ये टेक्नोलॉजी, ये ग्लोबलाइजेशन, ये गवर्नमेंट किधर आएगा, इंटरनल में एक्सटर्नल में? रोल ऑफ ग्लोबलाइज, आप बताओ ग्लोबल इंडस्ट्री का रोल क्या है? रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री, अच्छा बताओ रे, ग्लोबल मतलब क्या? क्या आप वर्ल्ड को पूरा एक ही मार्केट मानते हो? क्या आप कोई भी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकते हो? आपकी कंपटीशन दुनिया में किधर से भी हो सकती है? और भी हमने देखा था, बताओ कॉस्ट आपकी डोमेस्टिक मार्केट में काम करने वाले लोगों से आपकी कॉस्ट, बिकॉज आपका सेल्स का वॉल्यूम। और बताओ आजकल कौन सी इंडस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? एयरक्राफ्ट में, टेलीकॉम में, मोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल में, एक्सेट्रा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, आज हमने ये देखा ना सब, मैं उसका रिवीजन ले रहा हूं आपका। रिटेल इंडस्ट्री में बताओ कौन से दो फैक्टर का इंपैक्ट होता है? अरे बोला ना आपने, वॉलमार्ट के बिजनेस में बिग बाजार, क्या टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट होगा? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट होगा, है ना? क्या लिविंग स्टैंडर्ड का इंपैक्ट होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार, बसेस या फिर आपके बाइक्स, उनके ऊपर कौन सी फैक्टर का इंपैक्ट होगा? एक दो फैक्टर बताओगे? क्या टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट होगा, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट होगा, कंपटीशन का इंपैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट, एज ग्रुप का इंपैक्ट होगा? अगला सवाल, एजुकेशन इंडस्ट्री में बताओ कौन से फैक्टर का इंपैक्ट होगा? क्या पॉपुलेशन में लिटरेसी रेशो का इंपैक्ट होगा? क्या कंपटीशन का इंपैक्ट हो रहा है? सोशल कल्चरल का इंपैक्ट हो रहा है? टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट हो रहा है? गवर्नमेंट का इंपैक्ट हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपको हमने सब्स्टिट्यूट के बारे में आज बताया था, आपने दो एग्जांपल दिए थे, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं एयरक्राफ्ट, और आपने बोला इनके सब्स्टिट्यूट बहुत है, कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, तो क्या सब्स्टिट्यूट की वजह से कंपटीशन का रुख बदल जाता है? बताएंगे सब्स्टिट्यूट पैदा कब होते हैं? जब R&D जितना ज्यादा, हमने इसके लिए आपको एग्जांपल दिया था, अरे यार मोबाइल फोन्स, नो मोबाइल फोन की वजह से कैमरास आगे मोबाइल के अंदर ही, दैट्स व्हाई व्हाट, किसका मार्केट कम हुआ? कैमरा का मार्केट कम हुआ। उसके अंदर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी आप सभी जानते हो, हमारा मकसद सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रॉफिट विद एफिशिएंसी है? क्वेश्चन 25, ग्लोबलाइजेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कितने लोगों को याद आ रहे? नंबर 1, हमारा बिजनेस एक कंट्री में अलग कंट्री में। नंबर 2, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सब रिसोर्स एक ही माना जाता है, एक ही, हाँ कॉमन स्ट्रेटेजी, उनके रिसोर्सेस कॉमन होते हैं, फाइनेंस कॉमन, पेटेंट कॉमन होता है, और लास्ट में क्या,
हाँ वो तीसरा है कॉमन स्ट्रेटेजी उसके अंदर. नंबर वन कौन सा? मल्टीपल लोकेशन, फाइनेंस, पेटेंट सब एक जगह पे और सबकी कॉमन स्ट्रेटेजी. जैसे एग्जांपल लिया एप्पल का, उसके बाद वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं. फिर 27 में आपको मैंने क्या बोला था? क्या एनवायरमेंट का कंटिन्यूअसली एनालिसिस करना जरूरी है? और नहीं किया तो आपकी वाट कैसे लगती है ना? उसके बाद में आपने बोला था कि एनवायरमेंटल को एनालिसिस करना चाहिए तीन चीजों के वास्ते. ऐसा पेज नंबर 14 पे दिया था. व्हाई यू हैव टू एनालाइज एनवायरमेंट? नंबर वन, जानने के लिए कि करंट कौन से चेंजेस हो रहे हैं और फ्यूचर में कौन से चेंज होंगे. नंबर टू, जैसे आपको मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, आपने लिखा है रिलायंस का स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. एंड नंबर थ्री, आप जब तक जितना एनवायरमेंट का एनालिसिस करोगे, जैसे आपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया, यू विल गेट मोर आइडियाज, योर थिंकिंग विल बी इंप्रूव्ड. ओके, उसके बाद में यही वो पोर्टर बाबा. बोलो साहब पोर्टर बाबा के बताएंगे कॉम्पिटिशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती है खराब? मतलब खराब तो होती है पर अच्छी भी हो सकती है. और पोर्टर बाबा के 5 फोर्सेस मालूम है? पोर्टर बाबा के आर फॉर ई फॉर एस फॉर एस फॉर और लास्ट में बाबा. अब इसमें से जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप स्टार मार्क करो, जो आपके बुक में जिसका कवरेज नहीं दिखता. आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार मार्क करो, 26 को करो, पढ़ाना मेरा बाकी है, कल एग्जांपल के साथ में पढ़ाऊंगा. फिर 25 में ग्लोबल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी स्टार मार्क करो, 24 हमारे बुक में है. फिर 11 में भी हमने कुछ अलग थोड़ा सा अलग पढ़ा, तो आप 23 को स्टार मार्क कर सकते हो, 22 को भी करिए, 21 को भी करो, ग्लोबल इंडस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, 20 को भी करो, 19 को भी स्टार मार्क करो, 18 को मत करना, 17 को करो, 16 को भी. तो आप समझ रहे हो ये क्वेश्चंस मैंने क्यों करवाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका कवरेज हमारे बुक में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है. सिर्फ ऐसा नहीं है कहीं तो दे दिया है. तो अब जाके हमें लग रहा है कि हमारा चैप्टर नंबर 1, अभी मैं चैप्टर 1 के आपको आईसीए के पेपर दिखाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आपको आईसीए के पेपर सॉल्व करते आ रहे कि नहीं. अगर वो हो गए तो समझना चैप्टर 1 हमारा हो गया. बोलो करेंगे आप घर पे खुद करोगे? करेंगे आप हमारे साथ ही करेंगे? ठीक है जी हाँ. फिर आप मुझे बोलोगे सर चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तभी क्यों नहीं खत्म किया? देखो जब तक रिवीजन उस चैप्टर की 2-4 बार हो नहीं जाती तो मैं आपको सडनली कैसे क्वेश्चन पूछूं? आप देखो मैं आपको बता, दो एनवायरमेंटल फैक्ट दो बताओ, कौन से एनवायरमेंट है? अभी जैसा आपको आ रहा है ना, तो आप मैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूं तो आपको मजा आएगी बहुत. देखते आपको सारे क्वेश्चन आ रहे क्या? अभी कोई भी कुछ देखना मत, स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग. सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप? सॉन्ग का टाइम हो गया आपके, 1 मिनट का सॉन्ग आप सुनेंगे फिर मेरे पेपर्स चालू होंगे. आज मुझे ये रहा आपके सामने YouTube. One of my favorite song, Bipasha ji is my. Fourth. Yeah.
मैंने वो पेपर निकाला था, किधर गया? अरे अभी तो मैंने पेपर निकाला था। ए प्लीज टेल नो, उसके बाद सॉन्ग रिप्लेस किया गया मैंने। अरे वो था ना, कहाँ गया? यहाँ पे दिख रहा है क्या यार? वही काम करे शिट यार। ओके ऑन चैप्टर नंबर टू। ये पेपर मुझे दिखाना था, वो कल दिखाऊंगा। दिस साइड इज नॉट ओपनिंग ना। और एक आज शुरू करेंगे हम लोग एक केस स्टडी जिसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर उस खबरों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन आएगा आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बोल के, राइट? उसके पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? कैन यू सी दैट? पेज नंबर कौन सा चिंटे वो? 43 पर आपको दिखेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, दिख रहा है? पहले 43 पे आपको दिखेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इस सब्जेक्ट के नाम के बारे में चर्चा हो रही कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। मुझे कुछ बोलना है बच्चों, अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप उनको ये कहना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो होता है जो हमें हमें कॉम्पिटिटिव एज देता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो होता है जो हमें कॉम्पिटिशन में सबसे आगे करवाता है, और हमें गाइडलाइन देता है बिजनेस करने की। किसी ने पूछा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो होता है जो आपके, देखो बिजनेस तो मैनेज हर कोई इंसान कर रहा है, पर हर कोई इंसान रिलायंस नहीं बना है, हर कोई इंसान टाटा नहीं बना है। बिजनेस को मैनेज करना और बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, इट इन्वॉल्व्स, इधर इधर स्क्रीन पे, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग व्हाट स्ट्रैटेजी टू मीट व्हाट, किसको? कंपटीशन एंड एंश्योर व्हाट, कम ऑन गाइस, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड व्हाट। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन में आगे बढ़े, कॉम्पीट कर सके दूसरों को, और आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइव हो और ग्रोथ हो, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दुनिया में मैनेजमेंट सब लोग करते हैं, पर फिर भी वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते या फिर ग्रोथ नहीं कर पाते। कंपनी इफ इज हैविंग व्हाट वीकनेस इन द एरिया ऑफ व्हाट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दे विल हैव टू सफर लॉसेस। कंपनी विल नॉट बी एबल टू ग्रो, कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंपीट। तो याद रखना, जिसके पास स्ट्रैटेजिक, लगाओ एक चिट्ठी वहां पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, पेज नंबर 43 पर लिखो, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो आप जरूर उसका आंसर ये लिखना, इट इन्वॉल्व्स, लिखिए, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, developing a strategy to meet what? Competition. To meet competition. And ensure. What ensure? Long-term survival and what? Growth. Long-term survival and what? Growth. मतलब अगर मैं उल्टा सवाल पूछूं, स्ट्रैटेजिकली मैनेज नहीं किया तो क्या होगा? कंपटीशन में आगे नहीं जाऊंगा, आपकी कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, आपका सर्वाइवल नहीं होगा। द ओवरऑल, इधर देखिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, आपको लगता नहीं, इट इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट में हम लोग कल से बहुत सारी चीजें पढ़े, कल भी हमने वो बीसीजी पढ़ा, पीएलसी पढ़ा, एनसॉफ पढ़ा, कि आपको लगता नहीं ऐसा बिजनेस, ऐसा सोच समझ के प्लान किया तो आपके बिजनेस का बहुत ग्रोथ होगा। ये हर प्रोडक्ट वाइज आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सो डोंट यू थिंक यू विल बी व्हाट, मोर कॉम्पिटेटिव, यू कैन सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली मैनेजमेंट वो होता है जिससे आप कॉम्पिटिशन में आगे जाते हो, आपका सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होता है, और आगे वही लिखा है,
टू क्रिएट व्हाट कॉम्पिटिटिव एज एंड टू गाइड व्हाट कंपनी. कंपनी को गाइडेंस कौन देता है? स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स व्हाट गाइडलाइंस टू द कंपनी दैट हाउ टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू अचीव व्हाट लॉन्ग टर्म गोल्स. हमारे कंपनी को देखो, हर कंपनी के अपने गोल्स है, हर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और विजन है, पर हर कंपनी इसको अचीव नहीं कर पाती. कंपनी वही अपने विजन को कामयाब कर पाती है जिनके पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में लाखों लोग बिजनेस करते हैं पर गिने चुने लोगों के नाम आपको मालूम है. और गिने चुने लोग हैं जो अपने विजन में कामयाब होते हैं. कौन से? जिनके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो. लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SM, लिखो चिट्ठी पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SM नंबर 2. To create what? Competitive edge. Create what? Competitive edge. Number 2. To guide company successfully. To guide company successfully. आप जरा देखो यहां पे क्या लिखा है. Aim of SM is to save the company's business products, services and communication so that they can what? हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेस ऐसे बनेंगे जिससे हम लोग क्या कमा पाए? प्रॉफिट्स. वापस से बोले, स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया हमने तो जैसे मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं क्या सर्विस दे रहा हूं? और फ्लिपकार्ट क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है. तो हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विस ऐसी हो जाएंगी, लोगों को ऐसी पसंद आएंगी कि लोग हमें पे करेंगे और हम अपना प्रॉफिट कमा सकेंगे. राइट ये भी अच्छा एक पॉइंट है. लिखिए सर अभी क्यों लिखवा रहे हो? बिकॉज ये सब्जेक्ट का फंडामेंटल यार, ये सब्जेक्ट के नाम की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस. मैनेजमेंट बहुत सारे लोग करते हैं पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते. लिखिए वहां पे, एम ऑफ SM इज टू सेव. Aim of SM is to save the company's business product. The company's business products, comma services, and communication so that they can achieve profits. They can earn profits. लिख लिया जी. ओके एवरीवन, अब मैं आपको कुछ खास जगह पे लेके जाऊंगा. अब वो पेज पलटा खराब आ गया. ये यू विल फाइंड वन क्वेश्चन और उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऐसा लिखा है क्या, और उसके 5 स्टेप्स दिए हुए हैं. नहीं नहीं आज फैसला हो गया रहेगा. आज बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, बिकॉज मैं आपको सामने कुछ एक बहुत अच्छी केस स्टडी लेकर आ रहा हूं. ऑसम. इधर देखना मेरे पास क्या लिखा है. व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? आपको मालूम है पूरे दुनिया में ऐसा ही होता है. आप भी इनफैक्ट ऐसा ही करोगे. मैंने भी ऐसा किया है, पूरी दुनिया ऐसा ही करती है. 5 स्टेप पढ़ो. जब भी कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं हम कौन है, हम कहां पे है. इसको बोलते हैं स्वॉट करना. हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देखना. उसको देखने के बाद में हम अपने विजन को डिसाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस वी हैव टू डिसाइड आवर विजन कि व्हाट आई एग्जैक्टली वॉन्ट टू अचीव इन माई बिजनेस, व्हाट वी वॉन्ट टू बी, वेयर वी वॉन्ट टू बी. आज मैं यहां पे हूं, कल मैं वहां पे जाना चाहता हूं. आज मैं यहां पे हूं और मैं वहां पे जाना. आपको लगता है पॉइंट 1 में और 2 में डिफरेंस है? कौन सा प्रेजेंट नजर आता है? फर्स्ट पॉइंट. कौन सा फ्यूचर नजर आ रहा है? और इस आज को कल में बदलने के लिए पॉइंट नंबर 3. How can we get there? Here you'll find lot of opportunities, you'll find a lot of strategies to achieve. See, we want to fill the gap between point number 1 and 2. To fill this gap, you have multiple options, but you can't select all the options.
मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते बहुत है, पर सही रास्ता अपनाने वाले लोग ही इस दुनिया में अपने विजन को कामयाब कर पाते हैं। रास्ते में चलने वाले राही तो बहुत मिलेंगे, पर मंजिल तक कुछ ही लोग पहुंचेंगे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कौन से रास्ते हैं वहां पे मुझे पहुंचाएंगे, और पॉइंट नंबर 4 बोलता है हम उनको सबको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट व्हाट द बेस्ट ऑप्शन टू रीच ओ देयर। और फिर बाद में एक बार जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया देन यू इंप्लीमेंट इट एंड देन व्हाट यू इवैल्यूएट इट। समझ में आ रहा है, रास्ता अपना लिया पर कुछ देर के बाद में रास्ता अपनाने के बाद में चेक करना जरूरी है कि रास्ता सही में अपने को मंजिल तक लेके जा रहा है या नहीं। या ए गाइस ये सब तेरी हो गया और सब ऐसा लगा कि सपोज दिस रूट इज नॉट राइट, सो डोंट यू थिंक यू आर सपोज टू चेंज इट, दैट विल बी नॉट पॉइंट नंबर 5। एवरीवन क्लियर? सी मैंने भी अपने बिजनेस को ऐसे ही करा है, दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा ही करता है। क्लियर? ओके राइट, आर यू देयर? ओके फाइन। मैंने सीए होने के बाद अपना खुद का स्वॉट किया, स्वॉट में नजर आया मुझे मेरी स्ट्रेंथ, मुझे मेरी वीकनेस, मुझे वीकनेस थी मैं किसी का काम नहीं कर पाऊंगा, किसी के काम पे नहीं रह सकता, आई कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ एनीवन, कोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं भी उसको। तो मैंने सोचा मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं बोलता हूँ अच्छे से, स्टेज पे जाके कुछ भी बोल सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। तब डिसाइडेड नहीं था टीचिंग करूंगा, मैंने अपना शॉर्ट किया और देखा मार्केट में अपॉर्चुनिटी की अच्छे टीचर्स की कमी है। व्हेन आई एंटर्ड लॉन्ग टाइम बैक, सो उस समय डिसाइड कर लिया कि चलो ये अपना शॉर्ट हो गया, एक विजन डिसाइड करते कि टू बी व्हाट द नंबर वन प्रोफेसर इन व्हाट इंडिया। ये तब पॉइंट नंबर 2। फिर बोलो ना, फिर आगे क्या, फिर क्या करना पड़ेगा? अभी वहां पे अभी अच्छा टीचर बनने के लिए अभी जाने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोग एक नंबर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिशनल टीचिंग को बंद करते, थोड़ा सा उसमें डायनामिज्म लाते हैं, टीचर्स थोड़े सा बोरिंग लेक्चर्स को हटाकर थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग करते हैं, लेक्चर में लोग सोएंगे नहीं, थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि लेक्चर में घड़ी घड़ी बार बार टाइम देखने की जरूरत ना पड़े, 30-30 बार बच्चा देख रहा पीछे कितना टाइम हो गया यार, बस कर भाई कितना बोल रहा है, कम से कम ये नौबत तो नहीं आना चाहिए। बच्चा सोएगा नहीं, बच्चा बार बार घड़ी में देख रहा है सो रहा है, इसका मतलब टीचर भैया थे, सिर्फ नॉलेज होकर कुछ नहीं चलेगा यार, लोग सुनना तो चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं। तो रास्ते अपना है, मेमोरी टेक्निक का रास्ता मेरा था सबसे पहली बार इंडिया में। नंबर टू लेक्चर्स में इस तरह के यूट्यूब पे गाने दिखाना, सारी चीजें दूसरी तरफ लेकर गया मैं ताकि लोगों को थ्योरी के ऊपर विश्वास बैठे। ITSM के लोग लेक्चर्स करते ही नहीं थे, इसका का फर्स्ट फैकल्टी में था, ITSM के लोग लेक्चर नहीं करते थे, लोगों की श्रद्धा बढ़ाई इस सब्जेक्ट पे, लोगों को लगा नहीं यार नाउ इट इज नॉट बोरिंग इट इज नॉट स्कोरिंग। तो स्ट्रैटेजीज डिसाइड की पॉइंट नंबर 3 में, और अलग अलग रास्ते नजर आए, उन रास्तों में से जो बेस्ट तरीके वो ढूंढे, जो अच्छे अच्छे तरीके ढूंढे। फिर कभी कभी स्ट्रैटेजी ये नजर आई कि फेस टू फेस करो या वर्चुअल करो, दोनों को अडॉप्ट किया। एक तीसरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट को डायरेक्टली देखने दूं, वो रास्ता मैंने नहीं अपनाया कि मैंने सोचा उसकी वजह से लीकेज होगा लेक्चर्स का। तो मैंने 3 रास्ते थे मेरे पास में, एक फेस टू फेस, एक वर्चुअल, तीसरा पोर्टल के ऊपर आप पैसे दो डायरेक्टली आपको देखने मिलता आपके घर के लैपटॉप के ऊपर। तो उसमें से 2 रास्ते अपनाए ताकि जो मुझे इंडिया में नंबर 1 करवाएगा। तो मैं ये पॉइंट नंबर 3 में ऑप्शंस देख रहा था, 4 में मैंने बेस्ट तरीके अपनाए अपने टीचिंग के भी और लोगों तक पहुंचने के, फेस टू फेस, वर्चुअल नंबर 4। और अपनाने के बाद में उसको सिर्फ ऐसा सोचा नहीं, वैसे मैं पढ़ाने लगा जैसे मैं सोच रहा था, मेरे सपनों की क्लास में खुद करने लगा। मैंने कभी विचार नहीं किया कि समाज और बाकी प्रोफेसर मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैंने अपना खुद का स्टैंडर्ड खुद बनाया कि मैं वो सोचा कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले तक स्टूडेंट खुद ही था तो मैं महसूस कर रहा था कि स्टूडेंट क्या चाहता है। तो अकॉर्डिंगली आई चेंज, मुझे मालूम था कि हमेशा लेक्चर में बोर बहुत होता है, कि बोर वो जो बोर होने वाला कॉन्सेप्ट अगर इंसान को सुनेगा कब, इंटरेस्ट तो क्रिएट हो भाई, वो बहुत सीरियस है पर उसको नींद आ रही है, बहुत जिंदगी में नींद आ रही, खत्म ही हो गया नींद आ रही, मतलब दुनिया का बेस्ट टीचर लाओ कुछ नहीं हो सकता,
नींद के सामने दुनिया का किसका कुछ नहीं, नींद आई बोल तो खत्म हो गया। अब वो टीचर कहे भाड़ में मुझे सोने दो भाई, देखो जो करना कर भाई, मैं फेल हुआ तो परवड़ता, मुझे सिर्फ सोने दे। मतलब फिर वो आप सवेरे 6:30 बजे के लेक्चर में आपको देखा है कैसा हौले से करता है, कुछ नहीं कर सकते उसको, नींद आती है तो किसके बाप की नहीं सुनता इंसान, वो टीचर चाहे जितना भी अच्छा हो। तो विच इज द बेस्ट वे, हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल? तो जब हमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो आई एम सपोज टू इवेल्युएट माई सक्सेस कि मैं मंजिल तक, मंजिल के राह में हो गया नहीं। इफ आई थिंक दैट कि राह अच्छी है, आई शुड फॉलो द सेम पाथ। अगर लगता है कि इससे भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, आई हैव टू चेंज माई पाथ। एवरीबडी आर यू देयर गाइज? तो पहले फेस टू फेस फॉलो किया, बाद में लगा कि फेस टू फेस करके मैं पूरे इंडिया में नंबर वन नहीं बन सकता, तो फिर पांच को चेंज किया, फेस टू फेस प्लस व्हाट वर्चुअल किया नंबर 5 में। एवरीबडी आर यू देयर? तो ये 5 पॉइंट्स है सर, ये हर किसी की जिंदगी में होता है। हाँ बेटा, आप जब सीए बनोगे ना, या आप कभी भी कोई बिजनेस करोगे, 5 पॉइंट्स आपको, ये दुनिया का यूनिवर्सल पॉइंट है। कोई भी आपके घर वालों ने भी आज तक बिजनेस किया होगा ना, इन्हीं 5 पॉइंट्स पर, उनको ये पता नहीं 5 पॉइंट्स उन्होंने फॉलो किए, पर आप उनको पूछोगे ना तो ये 5 पॉइंट्स अपने आप नजर आएंगे। पॉसिबल ही नहीं। बताओ कौन से 5 पॉइंट्स है? आज मैं कहा हूं शॉर्ट में, देखो मुझे जाना कहां है। नंबर 3, आई विल फाइंड मेनी पाथ स्ट्रेटजीज, आई विल सेलेक्ट द बेस्ट वन आउट ऑफ इट, आई विल इंप्लीमेंट, आई विल इवैल्यूएट कि वो पाथ सही करें। ये सब थ्योरी हो गया। आप इसको रियल लाइफ में लाते कि सचमुच कोई कंपनी ने ऐसे, तो कंपनी का नाम लेते वॉलमार्ट। आज वॉलमार्ट की पूरी हम लोग मजे लेंगे। वॉलमार्ट क्या कंपनी है, जो Fortune 500 का नंबर 1 कंपनी है, उसको सीखने का आपको अनुभव मिल रहा है। आपके पेपर में कम से कम एक बार तो वॉलमार्ट का नाम लिखना जरूर, क्योंकि बेस्ट कंपनी यार। वो बेस्ट इसलिए बनी बिकॉज उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यूज किया है। देखते हैं आपके सामने आपका आपका केस स्टडी का समय चालू, राइट? मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके लिए केस स्टडी है। 5 मिनट बाद मैं आपको पूछूंगा बताओ ये 5 पॉइंट्स वॉलमार्ट ने कैसे यूज किए। मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा, बाद में आपको ये 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। हमारा कॉन्सेप्ट है वॉलमार्ट इन इंडिया। आज का केस स्टडी वॉलमार्ट नहीं है, वॉलमार्ट इंडिया क्या चल रहा है देखते हैं। बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए वॉलमार्ट के बारे में। होलसेल इज व्हाट वॉलमार्ट इंडियाज ओनली फोकस, ऐसा बोल रहे हैं। क्या लिख रहा है देखो, ये है इसके, एक मिनट, इसके बाजू वाला भी है, ये वाला खास है। अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश में रीड इट, अच्छे से पढ़ो। एंडिंग अ व्हाट 2 ईयर वेट, वॉलमार्ट द 476 बिलियन अमेरिकन सुपर मार्केट चेन, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू इज व्हाट, रेडिंग प्लान्स टू ओपन इट्स 21st store इन व्हाट। अभी हाल ही में इनका आगरा में एक खुल रहा है। अभी इंडिया में 20 जगह पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग औरंगाबाद, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, इंक्लूडिंग गुंटूर। द लेटेस्ट कैश एंड कैरी और होलसेल आउटलेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रोसरी टू अपेरल एंड व्हाट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय बिजनेसेस ऑफिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग अप इन व्हाट आगरा, ठीक है आगरा में आ रहे। This will be the Walmart's second store in Agra, converting what not so long ago was operated by what French rival, ये उनके rivals का नाम है, ठीक है, second largest retailer है, क्या नाम है इसका, Carrefour. The latter chain shut its India operation recently due to mounting losses, मतलब वो मर गया जो उसका competitor था। Strategic changes देखिए। After that, the group had stopped expansion due to internal inquiry under foreign corrupt. उन्होंने expansion बंद कर दिया था इंडिया में। Last year, Walmart broke ties with what? India partner भारती Enterprise. Breakup हो गया दोनों का। Now, Walmart's international president, David Cheeseworth, is slated to visit the country in what? अभी वो जनवरी में आ रहा है इंडिया में। आ गया होगा आज वो। He is right now in India, Walmart का जो है। वो वाइब्रेंट गुजरात में आया हुआ है वो। वी हैव रिसेंटली रिसीव्ड ऑल इंटरनल अप्रूवल्स फॉर ओपनिंग न्यू स्टोर इन व्हाट आगरा। आवर टीम इज व्हाट वर्किंग टुवर्ड्स
प्रोक्योरिंग ऑल रिलेवेंट लाइसेंसेस एंड परमिट्स. आपको मालूम होगा आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम बड़े फास्ट हो रहे हैं. मतलब एक जमाने में था कि एक एक काम करने के लिए इतना प्रोसीजर था, इतना करप्शन था कि काम ही नहीं होते थे. आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतना फास्ट है, आप बोलो आप में अगर पेपर्स में आपकी सच्चाई तो इमीडिएटली आपको अप्रूवल देंगे. कंपनीज अगर आपको खोलना है तो इतना बहुत कुछ नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो एकदम सा ऐसा किसको खिलाना पिलाना सब बंद हो गया. देखते इट हैड व्हाट अ प्रीवियसली ओपन स्टोर इन व्हाट 2012 आफ्टर विच ग्रुप हैड व्हाट स्टॉप बिजनेस एक्सपेंशन ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम, जो भी लिखा है ठीक है. इनफैक्ट इट्स एशिया हेड स्कॉट प्राइस हैड व्हाट इन 2013 फेमसली सेड फ्रेंकली एफडीआई हैज व्हाट पास्ड इंडिकेटिंग द इंडियाज रूल्स टू अट्रैक्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड्स रिटेलिंग वर टू टफ. नाउ परहैप्स टू कन्वे अ पॉजिटिव मूड अराउंड इंडियन मार्केट वॉलमार्ट्स इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डेविड चीज राइट इज स्लेटेड टू विजिट द कंट्री जनवरी. रिपीट हो गया क्या अराउंड ठीक है पता नहीं. अराउंड द टाइम्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा विल बी हियर चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे. अभी 26 जनवरी का आ रहा है. द कंपनी वॉज नॉट फोर्थ कमिंग ऑन द वेदर चीज राइट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट. जो जो लिखा है बाप. द होलसेल बिजनेस कॉल बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल. अभी काम की बातें पढ़ेंगे. द होलसेल प्राइस कॉल बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल हैड प्रीवियसली ओपन्ड अ स्टोर एट व्हाट एट द एंड ऑफ 2012 इन व्हाट भोपाल. लास्ट ओपनिंग उनका भोपाल में था और वेयर इट हैज टू आउटलेट्स ऑफ टोटल 220 अक्रॉस 9 स्टेट्स. इंडिया में ये सब है. मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ. मुझे आपको 5 पॉइंट्स में फिट करवा के देना है ठीक है ना. आप सभी को मालूम है वॉलमार्ट का विजन क्या है, वो आपने याद किया था. मतलब पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है. वेयर वी वॉन्ट टू वॉट दे वॉन्ट टू बी टू बिकम वॉट द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड है ना, वो उनका विजन है. उनका वेयर वी आर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. स्वॉट थोड़ी देर में. एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ. वाइल वॉलमार्ट टाइज अप 50-50 भारती फॉर कैश एंड कैरी टिल इट ब्रोक द पार्टनरशिप रिसेंटली. Metro and Carrefour entered the category on their own. UK's Tesco recently became the first global retailer to announce entry into multi-brand front-end retailing in partnership with what? मतलब टाटा ग्रुप के साथ में और एक कंपनी आकर इंडिया की मार्केट की वाट लगाएगी. मतलब कौन से इंडिया के रिटेलर्स की और साथ साथ में वॉलमार्ट का पार्टनरशिप. वॉलमार्ट का भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा. टेस्को प्रपोजल टू इन्वेस्ट वॉट. सर ये लोग ऐसा पैसा इन्वेस्ट करते जैसे $100 million टू ओपन स्टोर्स अक्रॉस व्हाट महाराष्ट्र एंड व्हाट कर्नाटका ठीक है. द फर्स्ट FDI एप्लीकेशन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग व्हाट जो जो केम 2 years आफ्टर दिस ठीक है. सेवरल पॉलिसी राइडर्स सजेस्ट दिस हाउ नाउ हाउ एवर द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट रन बाय व्हाट भारतीय जनता पार्टी अच्छा लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज अपोज कंप्लीटली टू फॉरन इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग. समझ रहा क्या फेवर में अपोज में रिटेलिंग के है वो. आप बोलेंगे फिर कैसे आ रहे रिटेलिंग में नहीं आ रहे हो, होलसेल में आ रहे. हाउ एवर द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेड इट वुड नॉट विड्रॉ द क्लियरेंस ग्रांटेड अर्लियर. वाइल इट वुड नॉट क्लियर एनी न्यू एप्लीकेशन इट सेज डोमेस्टिक किराना और नेबरहुड स्टोर्स विल लूज देयर बिजनेस. समझा ना अहेड बहुत कुछ लिखा है, ज्ञान की बात है. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे छोड़ देंगे उसको. In this scenario, international majors such as Walmart are ensuring that they have what? Foothold in India through cash and carry while waiting for easier rules in multi-brand. Their real interest. Expressing the sentiment, expressing that sentiments Walmart price had said earlier this year that the company would open 50 cash and carry stores in India in 3 to 4 years. This was soon after he had said Indian FDI रूल्स वर नॉट वर्किंग फॉर द ग्रुप. जो लिखा है उनको कितने खोलना था यहाँ पे 50. विथ मल्टी ब्रांड होप स्टिल फॉर ई कॉमर्स इज अनदर एरिया दैट होल्ड प्रॉमिस फॉर वॉलमार्ट. इट कम्पीट्स विथ अमेजॉन इन USA एंड सम अदर मार्केट्स इन द सेगमेंट. अभी मतलब उनकी कॉम्पिटिशन अभी भी जारी है. एंड इज एक्सपेंडिंग इट्स वॉट ऑनलाइन B2B हैविंग स्टार्टेड विथ हैदराबाद एंड वॉट लखनऊ. द ग्रुप प्लान्स टू एक्सटेंड ई कॉमर्स इनिशिएटिव टू ऑल इट्स सेंटर्स नेक्स्ट ईयर से कंपनीज ऑफिशियल. मतलब देख रहे हो कौन से रास्ते अपना रहे हो. आपको क्या क्या समझा पता नहीं. रिटेल नहीं करा उन्होंने, B2B बिजनेस किया, फिर उन्होंने इंडिया में पहले भारती के साथ में किया, फिर आप फैसला कर लिया हम लोग खुद करेंगे. ई कॉमर्स में वो लोग आ रहे हैं अमेजॉन को कम्पीट करने के लिए.
है ना, ये सारी चीजें ठीक है, बहुत कुछ किया इन्होंने, बहुत आगे जाएगी कंपनी, हमें अब पढ़ना है जो खास है, मजा आएगा पढ़ के वॉलमार्ट के बारे में। हाँ जी यही है वो जो मुझे आपको बोलना था, नहीं तो नैनो का है, देख लीजिए। और स्टोर्स ओवरव्यू इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, ये अभी भी लोकल कस्टमर को नहीं बेचते हैं, ठीक है ना, ओके ये दिख गया आपको ठीक। मैं आपको वॉलमार्ट के स्वॉट के बारे में बताना चाहूंगा, यह है स्वॉट ऑफ वॉलमार्ट, आपको मालूम मैं कौन से पॉइंट के लिए दिखा रहा हूं। देखिए सब जल्दी जल्दी देखिए, देखो क्या लिखा है, वॉलमार्ट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है क्या बोलो सर, कि उसकी प्राइस बहुत कम होती है, लो प्राइस, कस्टमर ओरिएंटेड, एससीएम बहुत फास्ट है, फास्ट डिलीवरी होती है, ब्रांड इमेज ऑसम, आईटी का यूज करते हैं, वीकनेस है वॉलमार्ट सेल प्रोडक्ट अक्रॉस व्हाट मेनी सेक्टर्स, इसलिए कोई भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। द कंपनी इज ग्लोबल बट इट हैज व्हाट प्रेजेंस इन रिलेटिवली व्हाट वेरी फ्यू कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, अपॉर्चुनिटी है टू टेक ओवर व्हाट जॉइंट वेंचर टू एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट, पुट एफर्ट्स ऑन व्हाट सोशल वेलफेयर, वो और भी जगह पे जॉइंट वेंचर करके अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं, वो इंडिया में और चाइना में और अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं, न्यू लोकेशन एंड स्टोर्स टाइप्स फॉर द मार्केट डेवलपमेंट, ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है बीइंग नंबर वन मींस दैट यू आर द टारगेट फॉर, समझा ना, जब आप नंबर होते हैं तो दुनिया आपसे झगड़ा करेगी, बीइंग ग्लोबल ब्रांड मींस व्हाट कैन फेस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड प्राइस कॉम्पिटिशन, ये रही आपके सामने केस स्टडी, आपको जोड़ना है इन सब चीजों से, इन सब चीजों से आपको जोड़ना है, आपका समय शुरू होता है। आप, मैंने सारी बातें बता दी आपको, सिर्फ मेरे सारे पॉइंट्स को लिंक करके उसको फॉर्म करना है, लिख दो ऊपर केस स्टडी वॉलमार्ट, और चलो आपका समय शुरू होता है, यू हैव जस्ट 5 मिनट्स टू राइट, 5 पॉइंट्स है, 5 हेडिंग्स है, आपको बताना है वॉलमार्ट ने 5 चीजें कैसे करी, डू इट फास्ट 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 फास्ट, सही जवाब देने पर आपको मिलेगा आज एक रिचार्ज हमारी ओर से, डू इट फास्ट। यस, एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ, 5 पॉइंट्स है, किसी को समझ में आया? हाँ चिंटू आजा, चल माइक दो इस बच्चे को, शाहरुख जाजू, शाहरुख जाजू साहब जी आइए आइए बेटा, व्हाट्स योर नेम? कृष्णा जाजू। वेयर आर यू फ्रॉम? सर फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद, ओके वेलकम बेटा, 5 पॉइंट्स है, उधर हाय बोलो, उधर क्या स्टाइल है बाप, अच्छा बता बेटा वेयर आर वी नाउ? सर नाउ प्रेजेंटली इट्स इट इज इन विद इन 15 कंट्रीज। ओके, ये वेयर आर वी नाउ में आप उतना ही बोलोगे या यहाँ पे स्वॉट के बारे में भी कुछ बोलोगे? नो सर, दे हैव अ स्ट्रेंथ लाइक द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। हाँ, कॉस्ट उनकी कम है, कम है। वीकनेस क्या है? वीकनेस द मींस दे वांट टू डेवलप मोर। वो वीकनेस है? नो सर, आई मीन दे वांट टू डेवलप बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज, मींस आई मीन ए नो सर, आई मीन डर क्यों रहा? चल बेटा कोई बात नहीं, तू आराम कर, तू बहुत डर गया, आराम से रिलैक्स, इतना डरते थोड़ी ना। हाँ 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 हाँ, डर के आगे जीते, कम ऑन, इतना डरते क्यों आप यार, आपको फेस करना है क्या मेरे को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4 3 2 1 4 3 2। मैं इस अब मैं वापस सेकंड टाइम चांस नहीं लूंगा, अभी वही हाथ ऊपर करो जो जिसको जवाब देने आएगा, पक्का श्योर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यस यस, इसमें से आपने ऑलरेडी दिया है जवाब, आ जा फिर, चलो आ जा, अपनी बुक लेकर आ जा।
चलो इस बहाने से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. बेटा कहाँ पे है कंपनी अभी इस वक्त? कंपनी इज ग्लोबल बट लिमिटेड टू सम ओनली. इट्स अ ग्लोबल कंपनी बट येट इट इज लिमिटेड टू सम कंट्रीज ओनली. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. ठीक है ना बेटा, ये कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेस है. क्या अभी भी कंपनी पूरी तरह से इंडिया में आई है? सर पूरी तरह से तो नहीं आई बट इट हैज कम ओनली. हम लोग उन दिनों की बात कर रहे हैं जब उनका एक भी स्टोर नहीं था. क्योंकि हमारा केस स्टडी हमने ऐसे प्रेजेंट किया आपको, तो ऐसा समझो कि उनका अभी तक कुछ नहीं है. बट दे हैव गॉट स्ट्रेंथ इन व्हाट? उनका बहुत नाम है, उनका सस्ते में बिकता है. अभी तक दे हैव नॉट स्टार्टेड इन इंडिया, ऐसा हमारा केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, राइट? और दे हैव नॉट स्टार्टेड इन इंडिया. वीकनेस है कि वो सारी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इतनी सारी चीजें बिकती हैं वहां पे. पर क्या उनको चाइना और इंडिया में आने की अपॉर्चुनिटी है? यस सर, उनके पास है सर. है ना? यस. पर कुछ थ्रेट भी है उनके, जैसे लाइक उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो चार बातें हमने देखी, तो चारों बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है इतनी कॉम्पिटिशन है तो क्या फिर भी आपने इंडिया में आना चाहिए? यस सर, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इंडिया में कि उनके प्रोडक्ट्स सेल हो. इंडिया चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके प्रोडक्ट्स जो बेचने का जो स्कोप है एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा मतलब आपको कंपटीशन को झुका के आप आगे बढ़ना चाहते हो? यस सर. मतलब शॉर्ट पहले पॉइंट में ये फैसला लेना पड़ता है कि हमें करना है नहीं करना है. और अगर लगता है कि हमारे वीकनेसेस और थ्रेट्स ज्यादा है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी से तो हमने काम करना चाहिए या नहीं करना? नहीं करना. और अगर ऐसा लगता है स्ट्रेंथ बोलो साहब ज्यादा है वीकनेस से और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है थ्रेट से तो हमने करना चाहिए, मतलब ये पॉइंट में डिसाइड होगा कि हम लोग को ये धंधा करना है या हाँ शॉर्ट राइट. ओके आइए भैया अंडरस्टैंड SWOT एंड decide. Come on. What you have to decide? Whether to start a business. Come on. In India. Whether to start business in India. बेटा अगर यहाँ पे लगता कि हम लोग की वीकनेसेस बहुत ज्यादा है थ्रेट ज्यादा तो हम लोग ये बिजनेस करते नहीं करते? बिल्कुल नहीं सर. तो फिर ये स्टेप ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता. यस सर. देखना बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम लोग घर वाले बोलते हैं नहीं यार वो करना ही नहीं अपने को. मतलब देर आर सो मेनी ऑप्शन बट हमारे घर वाले बोलते ये काम करना ही नहीं है. जैसे बेटा कि पहले से मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना था, मेरे घर वाले बोले एक पॉलिटिक्स में जा नहीं तो घर में दोनों में से एक काम करेंगे, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ चीजें हमारे बस की नहीं है, इनबिल्ट क्वालिटीज नहीं होती है. क्वालिटीज नहीं हमारे बस की नहीं, हमारे घर का काम ही नहीं है वो, तो हम लोग उसको वो चीज को वहीं खत्म करते हैं बिकॉज हमारे वीकनेसेस ज्यादा है उसमें और थ्रेड भी बहुत ज्यादा है. ओके पर हमें लगता है कि ये काम करेंगे कौन सा? इंडिया में रिटेल वाला. तो बताए विजन क्या है, वेयर आखिर वॉलमार्ट क्या बनना चाहती है दुनिया में? वर्ल्ड वाइड रिटेलिंग लीडर. रिटेलिंग में उनको लीडर बनना है? तो क्या सचमुच ये इंडिया में आना उनके विजन को मैच कर रहा है? यस सर. मतलब इंडिया में आने से क्या वो अपने विजन तक पहुंच पाएंगे? यस सर. क्या चाइना और इंडिया में वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन रहती है? यस सर. इंडिया में तो अबाउट 16% है. जी हाँ. तो मतलब इंडिया और चाइना को टारगेट करे बगैर वो लोग वर्ल्ड में लीडर्स नहीं बन सकते. बिल्कुल सही है. तो विजन के बारे में लिखिए. पॉइंट नंबर टू क्या है विजन है उनका बताइए. टू बिकम व्हाट? वर्ल्ड वाइड लीडर इन व्हाट? इटनी इन व्हाट? कम ऑन. To become worldwide leader in the retailing business. Yeah? Okay, come on. But how can we get there? अभी बताओ इन्होंने कौन से options थे इनके पास? सर लाइक कॉम्पिटिटर्स को एक इनका उनको वहाँ पहुँचने के लिए इनका एम है कि हम इतना चीप प्रोडक्ट बेचें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सके. मतलब इनका एक स्ट्रेटेजी था कि सस्ते में बेचना है महंगे में, तो उन्होंने सस्ते नहीं. हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि रास्ते अभी वर्ल्ड में नंबर वन बनना है तो इंडिया में भी आना है. चलो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इनको आना है तो आप बताओ कौन से रास्ते हैं इंडिया में आना है तो रास्ता एक तो खुद करे या खुद करे या फिर लोकलाइज के थ्रू सेल करे जैसे भारती के थ्रू करे. फिर दूसरा ऑप्शन था रिटेलर में बेचे, रिटेलिंग में बेचे या फिर होलसेल में बेचे या फेस टू फेस बेचे या ऑनलाइन भेजे. ऑनलाइन मतलब क्या बहुत सारे रास्ते थे. सारे रास्ते आपको विजन तक पहुंचाने वाले तो डोंट यू थिंक यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ इट?
तो हाउ कैन वी गेट देयर, क्या ऑप्शंस लिखवा दूं मैं आप बच्चों से? लिखिए रिटेलिंग और होलसेलिंग, अलग अलग ऑप्शंस है, रिटेलिंग और होलसेलिंग। ऑन इट्स ओन और थ्रू, और थ्रू क्या? थ्रू लोकल पार्टनर्स, लोकल पार्टनर ना, जो भारतीय लोकल पार्टनर था इंडिया का, आपको मालूम है उनके वॉलमार्ट के हर कंट्री में अलग अलग लोकल पार्टनर्स है, हर कंट्री में आते हैं वो, बहुत सही चीज़ है यार ये फ्रेंचाइजी सिस्टम में। आप सोचो ना कितना मजा आता है, जो उस कंट्री का लीडर है ना उसको पकड़ने का, करता क्या तू हमारे साथ? वो बोलेंगे मुझे क्या मिलेगा? जैसे स्टारबक्स आया इंडिया में, टाटा के साथ अलायंस किया, सुजुकी आया इंडिया में, मारुति के साथ टाइप किया, मतलब ये बड़ा काम सही होता है। वो 50% जा रहे हैं उसको मतलब नहीं, पर पहले दिन से यू आर हीरो, उस कंट्री का सब मालूम हो जाता है ना आपको, बिकॉज उस कंट्री का सबसे बड़ा बादशाह आपके साथ में है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, और तीसरा कौन सा है, क्या बोलते हैं, फिजिकल और ई कॉमर्स। तो बेटा उन्होंने कौन से पहले रास्ते अपनाए थे, पहले की बात करो ना, अभी जैसे एंटर हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले रिटेल चालू किया या होलसेल चालू किया? तो विच इज द बेस्ट वे? जब वो लोग आए थे तब तब उन लोग ने होलसेल में, लिखिए होलसेल, विच इज द बेस्ट वे, होलसेल फोर्थ पॉइंट का, होलसेल। उसके बाद में बेटा खुद से रास्ता अपनाया या उन्होंने भारती के साथ? सर ने अपना टायर ब्रेक करके भारती के साथ, सेल्फ भारती के साथ में, तो लिखो विद भारती, शट अप चिचोरी हावली, क्या पूछ रहे हैं? फिजिकल में आए थे पहले या ई कॉमर्स में? फिजिकली, देखो फिजिकली, बड़ा संभालो इनको। और बेटा अब इनकी पहले 20 जगह पे चालू हुई है, क्या आपको लग रहा है इनका जो टारगेट था, आपने कभी आरटीएल में देखा होगा, उनका टारगेट था भाई 50 खोलेंगे, पर कितने खोल पाए? अभी तक सिर्फ 20 खोल पाए, 20 खोल पाए। आपको लगता है क्या पांचवें पॉइंट में और चौथे पॉइंट में, चौथे पॉइंट का हेडिंग पढ़िए आपके बुक में क्या लिखा है, कहाँ पे, कौन सा पेज नंबर है? 44 पे मुन्ना, हाँ क्या लिखा है जरा देखिए यहाँ पे, विच इज द बेस्ट वे, ये फोर्थ हुए हमने, और फिफ्थ में करते क्या है, अंडरलाइन द वर्ड फिफ्थ में, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, मतलब फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, 20 सेंटर्स चालू हो गए, तो लिखो फिफ्थ में कंपनी स्टार्टेड ऑन 20 लोकेशन अक्रॉस इंडिया, कंपनी स्टार्टेड 20 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। अब बेटा क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से ये कामयाबी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या ये सही है, क्या कंपनी को अभी भी अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत पड़ी, क्या कंपनी ने कुछ बदलाव करे? यस सर, हमने बहुत बदलाव कर ले, सबसे पहले तो भारतीय के साथ टाई ब्रेक किया, किया क्योंकि भारतीय उनके कमजोरी बन चुके थे, तो एक क्या इवैल्यूएशन में दे हैव अंडरस्टूड, दे वांटेड टू, उनका टारगेट था भाई 2 साल में 50 जगह पाएंगे, बट दे कुड स्टार्ट ओनली एट व्हाट, और फिर भी जितना हम सोच रहे थे उतना उनको रिस्पॉन्स, वैसे दे वर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स राइट। सो लिखिए वहां पे, सिंस कंपनी, फिफ्थ पॉइंट का ये, सिंस कंपनी वांटेड टू स्टार्ट एट, वांटेड टू स्टार्ट एट 50 लोकेशंस, बट कंपनी कुड स्टार्ट एट 20 लोकेशन, कंपनी टुक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग ऑन इट्स ओन, कंपनी टुक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग ऑन इट्स ओन, है ना बेटा ऐसे ही? अच्छा, और एक चीज उन्होंने बदलाव लाई, मैं पूछना चाहूंगा कौन सी, एक मिनट बच्चों को लिखने दीजिए, क्या आपको लगता है और एक बदलाव लाया उन्होंने? बोलो बेटा। सर इतना टाइट कंपटीशन था मार्केट में, लाइक उनके जो लोकल कॉम्पिटिटर्स थे लाइक बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, उनके कॉम्पिटिशन के चक्कर में उनको अपना प्रोडक्ट और सस्ता सेल करना पड़ा, सस्ता सेल करना पड़ा, और बाद में लगा कि अमेजोन भी उनका कॉम्पिटिटर बन रहा है, तो क्या करा उन्होंने? सर ने ई कॉमर्स के थ्रू स्टार्ट करने का अपना वो स्टार्ट किया प्लान, ई कॉमर्स का प्लान चालू किया, जैसे उन्होंने बोला कि ई कॉमर्स उन्होंने हैदराबाद जैसे सिटी में चालू किया, हाँ या ना? तो लिखो कंपनी हैज
बेटा फेस टू फेस होने के बाद में, फिजिकल होने के बाद में ई कॉमर्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या अच्छा नहीं है फिजिकल? सर बिकॉज ऑफ अमेजॉन फ्लिपकार्ट, उनको मार्केट की रिक्वायरमेंट लगी टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन या फिर टू मेक अ ब्रांड, सिंस उनका एम ही है कि वर्ल्ड वाइड रिटेल में नंबर वन बनना है, और अमेजोन आकर फ्लिपकार्ट आकर इतने कस्टमर लेके जाए तो वर्ल्ड में नंबर वन बनने का सपना खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करा उन्होंने, देखो कंपनी स्टार्टिंग व्हाट ऑनलाइन ई कॉमर्स फॉर B2B। बेटा अभी ये सिलसिला कब तक चलेगा? मान लीजिए और 30 आएंगे, फिर अब क्या होगा आगे? मतलब अभी ये कब तक करना पड़ेगा ऐसी इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन? Until unless they don't achieve their aim. मतलब विजन अच्छी होने तक ये सिलसिला ऐसे बरकरार होगा? आप समझ रहे हो कहां पे? अभी वापस से अगर कंपनी को कुछ उतना नुकसान हुआ तो कंपनी क्या करेगी? और रास्ते ढूंढेगी, 3 नंबर पे वापस आएंगे, उसमें से बेस्ट तरीका ढूंढेगी, वापस इंप्लीमेंट करेगी। अचीव नहीं हुआ, वापस से 2-4 ऑप्शन ढूंढेगी, वापस से बेस्ट सेलेक्ट करेगी, वापस से इंप्लीमेंट करेगी। ऐसा करते रहेगी 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 तब तक जब तक उनका विजन, जब तक वो पूरा इंडिया को कैप्चर नहीं कर लेते। बताएंगे 5 स्टेप्स कौन से? नंबर 1 कम ऑन गाइस, वेयर वी आर नाउ, नंबर 2 वेयर वी वांट टू बी, हाउ माइट वी गो देयर, फिर उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट है, और जो बाद में नंबर 5 में इंप्लीमेंट करेंगे और एंश्योर करेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। बेटा हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोल रहे, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बोलो साहब, कल हमने शॉट और टॉस को देखा, टेल मी विच वन इज एक्शन ओरिएंटेड, जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास में, बताएंगे विच वन इज थ्योरी ओरिएंटेड, शॉट, विच वन सेज व्हाट यू वांट, शॉट, विच वन सेज व्हाट यू वांट टू बी, टॉस, याद है क्या? बताएंगे बच्चों स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या हुआ? बोलो यारो, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस किसको बोलते हैं? इनहेरेंट वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी किसका नाम है? फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, थ्रेट किसको बोलते हैं? अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। आप बताओ बच्चों टॉस के अंदर 4 बच्चे कौन से कौन से? सो ओ सो ओ, बस बताएंगे शॉट में और टॉस में कहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को साथ में सोचते हैं? बोलो बच्चों कौन सा एक्सटेंशन है किसका? टॉस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? शॉट है ना। इसके बाद में हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसका नाम है PLC, मैं चैप्टर नंबर 3 के सर, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद करो क्या था वो, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन एंड विड्रॉन। अभी अभी लॉन्च हुआ इंट्रोडक्शन, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग ग्रोथ, डिमांड इज इंक्रीजिंग ग्रोथ, डिमांड डिक्रीजिंग कॉम्पिटिशन डिक्रीजिंग डिक्लाइन, हाइएस्ट लेवल ऑफ डिमांड मैच्योरिटी, सबसे कम प्रॉफिट पर यूनिट मैच्योरिटी, प्रोडक्ट इज नो मोर अवेलेबल विड्रॉन। आपको याद है कल हमने कौन सा केस स्टडी लिया था इसके लिए? मैगी याद है? मैगी लॉन्च हुआ 1982 में, ये क्या था? टॉप रेवेन्यू जैसे लोग आने लगे, ग्रोथ हुई। अभी कंपनी ने बहुत सारा ब्रांडिंग चालू किया, कॉम्पिटिशन और चालू हो गए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। बोलो रे, अभी तक डिक्लाइन फेज आया नहीं, कब कब आएगा? जब कंपनी अपने आप का इंप्रूवमेंट करना बंद करेगी। कल हमने एक्सपीरियंस कर देखा, बोलेंगे मोर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू वन लेस कॉस्ट। बोलो रे यारो, पर यूनिट। एग्जाम्पल बताओ, बजाज के बारे में हुआ, कल हमने बजाज के केस स्टडी में यह समझा, बोलो क्या समझा? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व देयर इज व्हाट बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट, जितनी बोलो रे क्या, जितना लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतना नए लोगों अंदर आते आएगा या नहीं आते आएगा? बोल रहे नहीं साहब, बताएंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, यू आर हैविंग वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, लेस वेस्टेजेस, मोर एफिशिएंसी, मोर टेक्नोलॉजी, है ना बच्चों? अगला सवाल बताएंगे, BCG में 4 कौन से बच्चे हैं? स्टार क्वेश्चन मार्क काऊ कुत्ता, स्टार क्वेश्चन मार्क काऊ कुत्ता। आप बताएंगे हाई हाई लो लो डॉग्स, हाई मार्केट शेयर
लो मार्केट ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ रेट क्या हो, कैश का हो नो, हाई मार्केट ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, क्वेश्चन मार्क, आप बताओ वो किस में आएगा, कोलगेट, स्टार, पेप्सोडेंट, क्वेश्चन मार्क, आप बताएंगे वो कौन सा था अपना, झंडू बम, कैश को, आप बताओ किसको, किसान केचप किधर आएगा, आप बताएं कहां पे यू हैव टू इन्वेस्ट मोर देन ओनली कैन गेट मोर, कहां पे यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट, कैश को में क्वेश्चन मार्क को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, नहीं। करना चाहिए ओनली इफ ही हैज कैपेबिलिटी टू फाइट विद, यूजलेस, होपलेस, मर जा, जीने की कोई भी वजह नहीं है, दरिद्रुडो, तुझसे बेच के तो मैं तेरे सारे पैसे कहां पे लगा देंगे, स्टार में लगा देंगे, बोलो साहब, अच्छा वो क्या बोलो जल्दी से, पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक प्रोडक्ट होता है या बहुत सारे, एंड व्हाई यू हैव टू एनालाइज ऑल द प्रोडक्ट्स, जानने के लिए हमारा कौन सा बच्चा अच्छा और कौन सा बच्चा, और बच्चों के हिसाब से अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज विल बी चेंज्ड, हाँ या ना, एग्जाम्पल कौन से लिए थे, एचयूएल के लिए थे, एप्पल फोन्स के लिए थे, अरे बोलो यार, तो क्या हर प्रोडक्ट के हिसाब से स्ट्रेटजी अलग अलग या एक जैसी, मिशन और विजन में बताएंगे व्हाट वी वांट टू बी, कौन है, वी जान, व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, मिशन, कौन बोलता है मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कौन हूं, फ्लिपकार्ट का विजन क्या है, अमेजोन ऑफ व्हाट, और उसका कौन सा है, अमेजोन का टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, बताएं कौन सा है की ऑफ सक्सेस, मिशन, कौन सा है सक्सेस, वी जन, ऑब्जेक्ट और गोल में से लॉन्ग टर्म कौन, गोल, शॉर्ट टर्म कौन, ऑब्जेक्टिव, बताएंगे किसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव किसको मेजर नहीं कर सकते हैं, मुझे बहुत कस्टमर लॉयल्टी चाहिए, गोल, मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, वो सब ऑब्जेक्टिव, आज हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, 5 स्टेप्स बोले कौन से, नंबर 1, वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू बी, हाउ माइट वी गो देयर, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करके इवैल्यूएट करेंगे, बाय बाय गाइस, सी यू टुमॉरो, थैंक यू वेरी मच।